हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड इंजीनियर्स की पाठशाला। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में एंड वेरी वेरी वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑन दिस सेशन। एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, ऑडियो और वीडियो दोनों सही चल रहा है कि नहीं, एक बार ये बस बता दीजिएगा, क्योंकि मेजर इशू ऑडियो का थोड़ा सा चल रहा है मेरे एंड पर। तो एक बार फटाफट से आप लोग बता देंगे क्या कि ऑडियो आवाज़ वगैरह एकदम सब प्रॉपर चल रही है क्या? सेशन को कर दें स्टार्ट हम लोग मस्त तरीके से। वेरी गुड इवनिंग देवी लोफी मैशअप सॉन्ग। अच्छा जी, डेविल लोफी मैशअप सॉन्ग, रामू एफ एंड एफ ट्यूब, सही है, ऑल गुड। अरे चलो बच गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं इसीलिए टेंशन में था कि ऑडियो अभी प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, अदरवाइज फिर से एक दिन हमारा वेस्ट हो जाता है ना। तो मुझे लगता है सब ओके चल रहा है ना। परफेक्ट है यार, बहुत ही बढ़िया। तो आज एकदम फुल लेंथ रिविजन करने वाले हैं। संडे का मैंने वेट नहीं किया, हालांकि कल ही संडे, बट टाइम अपने पास है नहीं और आप सभी बच्चों का। हाँ जी, सुनाई दे रहा है, जस्ट मैंने ओपन किया यूट्यूब, सुन के बहुत अच्छा लगा कि ऑडियो चल रहा है। चलो फाइनली, चलिए। तो वेरी 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 गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आपसे मैं बात करूँ उससे पहले 2 मिनट में फटाफट से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन बता दूँ, उसके बाद सेशन को स्टार्ट कर देते हैं तुरंत, ठीक है। सो अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। टारगेट एग्जाम गेट, IRMS, CSE, CSE, गोल नेम इज गेट एन ESE EEC। उड़ान 2024, बुनियाद 2025 अवेलेबल है। न्यू बैच दैट इज स्टार्टिंग राइट अवे फ्रॉम 10th ऑफ फेब। नेटवर्क थ्योरी बाय अंकित गोयल सर, 7 AM आपको देखने को मिलेगा। GA1111 कोड जो है इसके अंदर आपको इस्तेमाल करना है। यू कैन ऑल्सो कॉल अपॉन दिस नंबर फॉर एनी एडिशनल डिटेल्स। इसके अलावा टीम अन अकेडमी, टीम गेट अकेडमी आप देख सकते हैं। EEC के लिए कंप्लीट पूरी की पूरी टीम अवेलेबल है। GA1111 का कोड आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अप टू 42% का ऑफ आपको मिल रहा है गेट और ESE के EEC सब्सक्रिप्शन पर। हालांकि ऑफर 10th फेब तक वैलिड था, तो लेटेस्ट ऑफर के लिए आप अन अकेडमी ऐप पर जाके इसमें एक बार विजिट कर सकते हैं और GA1111 कोड अप्लाई करेंगे तो लेटेस्ट आपको अभी का जो ऑफर है वो इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप फीचर्स देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लासेस यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा एक्सेस टू द डिजिटल नोट्स एंड होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन बाई टॉप एजुकेटर्स एंड एक्सेस टू 5600+ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ PYQs ऑफ मोर देन 10 ईयर्स यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो 10 फरवरी ऑनवर्ड्स यहाँ पर क्लासेस आपके शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, और कोड यहाँ पर आपको यूज करना है मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए, GA1111 का कोड। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी का पहला जो सेंटर है वो ऑफलाइन सेंटर जो है गेट और ESE के लिए, दैट इज ओपनिंग सून इन न्यू दिल्ली, है ना। इसमें ये सभी एडेड फीचर्स आपको मिलेंगे। ऑफलाइन आप पढ़ाई कर सकते हैं इसमें विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ गेट इन इंडिया, 100% सिलेबस इन टाइम कंप्लीशन की गारंटीड के साथ। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू द लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, रिवाइज थ्योरी बुक्स विद स्पेशली क्यूरेटेड प्रैक्टिस वर्क बुक्स, स्टेट ऑफ द आर्ट इन क्लास रूम एक्सपीरियंस और 70+ टेस्ट एज पर द गेट लेवल फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन, ठीक है। इसके अलावा 33% का अर्ली बर्ड ऑफर भी यहाँ पर मिल रहा था आप सभी को, और इसमें से आप देख सकते हैं 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स के लिए। 50% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप किसी भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप लर्नर हैं तो उस कंडीशन पर। 33% का अर्ली बर्ड ऑफर के लिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है पहले 50 एनरोलमेंट्स को, और 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन मेरिट गेट रैंकर्स लेस देन 1000 या PSU इंटरव्यूड या फिर मेन्स इंटरव्यूड किसी भी फॉर्म में। फॉर मोर डिटेल्स आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये जियो लिंक इसकी दी हुई है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बुनियाद और उड़ान बैच जो है अवेलेबल है फेब 10 के ऑनवर्ड्स। EEC के लिए न्यू बैच है, हिंदी इंग्लिश कंटेंट है। GA1111 कोड आपको इसके अंदर यूज करना है फॉर एडेड बेनिफिट्स। ये USPs है कोर्स के, और ये कंप्लीट पूरे टी की डिफरेंशिएटर जो है यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप अपनी गेट प्रिपरेशन जो है गेट या ESE की प्रिपरेशन को और बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सपोज कर लीजिए कि आप EMI में कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर EMI इज एज लो एज 2239 रुपीज पर मंथ विथ नो कॉस्ट EMI है, 0% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अवेलेबल है। इट्स अप्रूवल इज इन 2 आवर्स मिनिमल पेपर वर्क के साथ, फ्लेक्सिबल 10 ईयर्स पर ही अवेलेबल हो जाता है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए। इसी के अलावा अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। दोनों सब्सक्रिप्शन के अपने एडवांटेजेस आप देख सकते हैं। GA1111 कोड यूज करने पर एडेड बेनिफिट्स आपको और मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल फीचर्स, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये सब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज। जैसे टॉप एजुकेटर्स हो गए, डिजिटल नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, ये अवेलेबल है फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक पे आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी जितने भी फीचर्स हैं ये सब के सब पूरे इस पे अवेलेबल हो जाते हैं,
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आप गेट रैंक प्रिडिक्टर जो है ये भी देख सकते हैं, अनअकैडमी का गेट रैंक प्रिडिक्टर जो है ये भी अवेलेबल है। इस QR कोड को आप स्कैन करके इसके थ्रू आप रैंक प्रिडिक्टर पर भी पहुंच सकते हैं और इस पर अपना रैंक जो है उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइड ऑफ गेट अकेडमी आप देख सकते हैं, WEC के हमारे टॉप रैंकर्स। ठीक है, गेट अकेडमी की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स, PDF नोट्स सब इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड मोस्ट बेनिफिट्स अवेल करने के लिए GA1111 का कोड आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैग्नेटिक नहीं, AC का पोर्शन आज से आज शुरू हो रहा है और आज ही कंप्लीट भी होगा। तो आज का टॉपिक अपना है सिंगल फेज एंड थ्री फेज AC सर्किट, सिंगल फेज एंड थ्री फेज AC सर्किट। तो एक बार मुझे जल्दी से फटाफट से बता दीजिए कि आप में से कितने बच्चों ने ये दोनों चैप्टर फुल लेंथ में कंप्लीट किया हुआ है, एक बार फटाफट से बताइएगा। और आप सभी बच्चों को एक बार फिर से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन दिस सेशन। जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को पहले कंप्लीट किया हुआ है, मतलब फुल लेंथ में मेरे साथ कंप्लीट किया हुआ है, फुल लेंथ में कितने बच्चों ने इसे पढ़ रखा है, तो उसी अकॉर्डिंग जितना जैसा परसेंटेज होगा उसी अकॉर्डिंग मैं फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे कितना जाना है मैं डिसाइड करूंगा। बढ़िया, AC का रिवीजन क्लास होगा ना सर आज? बिल्कुल रिवीजन क्लास है, कंप्लीट रिवीजन क्लास इन वन लेक्चर, कंप्लीट एक लेक्चर में कंप्लीट रिवीजन। जय कुमार, अच्छा आप नहीं पढ़े हैं बट समझ सकते हैं ना इसे, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग मैं जाऊंगा उतने ही डेप्थ में। अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है AC का चैप्टर, मतलब हम साथ में पूरा फुल लेंथ अगर पढ़े हुए हैं, तो उस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से मैं कंप्लीट करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है और अभी पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बैक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी पढ़ने के वाइज। बट स्टिल हाँ, इस हर एक टॉपिक के अंदर हम लोग स्लाइड थोड़ा ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाना पड़ेगा फिर हमको, ठीक है, उस अकॉर्डिंग वैसा पढ़ेंगे। ठीक है, और सुमित ने पूछा कि सर ट्रांसफार्मर कब से स्टार्ट होगा? होपफुली मंडे से शुरू हो जाएगा। अब जो जो मैग्नेटिक्स हम लोग जो पढ़ रहे थे उसे मैंने अभी इसीलिए ड्रॉप किया हुआ है कि सीधे अब मैं ट्रांसफार्मर पे लेके आऊंगा। मैग्नेटिक का जितना पोर्शन अब ट्रांसफार्मर में आपको नीडेड है, जैसे कपल सर्किट्स पढ़ना ही पड़ेगा हमको, तो ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, तो अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, मोहित ने पूछा कि कितनी देर लगेगी? पहले से पढ़ाए प्लीज करके ओम श्री ने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर फुल लेंथ आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, मोर देन 3 आवर्स, 3 एंड 3.5 आवर्स से ज़्यादा, 3 to 4 आवर्स का समय। अगर उतना फुल लेंथ ना जाए, उतना बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाए, तो विद इन 3 आवर्स में वाइंड अप कर दूंगा पूरा। अभी टाइम हो रहा है 7:47, तो 8:47, 9:47 मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 10:30, इतने ड्यूरेशन में पैकअप करने का प्लान है। मैक्स टू मैक्स इतना ही देर की क्लास लूंगा मैं, क्योंकि आप सभी का भी एग्जाम का वो है, कोशिश ये रहेगी। लेकिन अगर टॉपिक बच जाता है तो एक्सटेंड करना पड़ सकता है, बट पूरा का पूरा प्लान ऐसा है कि विद इन दिस टाइम लिमिट ही मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो फास्ट और एकदम जल्दी से एकदम मस्त तरीके से पूरा कंटेंट। अच्छा, नोट्स बनाने लायक पढ़ाना है, हरिओम ने लिखा हुआ है। श्रेया वेरी गुड इवनिंग डियर, लगुन वेरी गुड इवनिंग माई डियर। सर एक क्लास मिस हुई थी बट रिकॉर्डेड से कवर कर ली थी। हाँ, एक आध क्लास मिस हुई है बीच की, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना मैं करा दूंगा। यहाँ पे पूरा मॉड्यूल पढ़ लिया बट रिवीजन करने में टाइम लग रहा है, मोहित ने लिखा, एक ही क्लास में रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगला यूनिट कब से स्टार्ट होगा सर? भगवा राजपूत ने लिखा हुआ है, अगला यूनिट जो है होपफुली मंडे से हम लोग ट्रांसफार्मर शुरू कर रहे हैं, मंडे ऑनवर्ड शुरू कर देंगे ट्रांसफार्मर। बेसिक से शुरुआत करेंगे तो उतना मैं आपका मैग्नेटिक्स में कवर करवा दूंगा, न्यूमेरिकल छूटे हुए मैग्नेटिक्स के वो कराना बचा रहेगा फिर भी। ठीक है, न्यूमेरिकल का पार्ट फिर भी बचा रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से, फुल लेंथ पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, मस्त तरीके से पढ़ेंगे मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स। मैं आपको पूरा चैप्टर का एक इनसाइट बताने वाला हूँ इस लेक्चर के दौरान। ठीक है, बीच में ब्रेक देखेंगे, अगर ज़्यादा लंबा एक्सटेंड होगा तो उस कंडीशन में, अदरवाइज ऐसा कोई प्लान नहीं है ब्रेक का, लगातार पढ़ेंगे। आप लोग कितने बजे डिनर करने वाले हो मुझे बता देना, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा अगर रिक्वायर्ड होगा तो, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा कि कितनी देर में हम खत्म करने वाले हैं, तो उसके बाद या पहले आप डिनर कर सकते हो या पैरेलली साथ साथ डिनर कर लेना। उस ड्यूरेशन में लिखने वाली चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, सिर्फ बताऊंगा। तो ये चैप्टर शुरुआत करेंगे हम लोग सिंगल फेज AC से, सिंगल फेज AC सर्किट से। क्या क्या कंटेंट का पार्ट होगा मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ एकदम जल्दी। मैं वही कंटेंट यहाँ पे कराने जा रहा हूँ जितना मैंने आपको फुल लेंथ में पढ़ाया हुआ है, ताकि कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ रहा है जो फुल लेंथ पढ़ा हुआ है
वो आसानी से कनेक्ट कर सके और तुरंत आसानी से समझ सके। या कोई ऐसा बच्चा जो किसी एक टॉपिक पर जाके स्टक हो जाए और उसको ना समझ में आए, तो वो फुल लेंथ वाला लेक्चर उससे रिफर कर पाए, ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड है। सिंगल फेज एसी सर्किट में क्या पढ़ेंगे हम, एक्चुअल में दो चैप्टर के कॉम्बिनेशन को आज खत्म करने जा रहे हैं एक ही लेक्चर में। तो जो जो दो चैप्टर में आपने लगभग 2-3 हफ्ते से ज़्यादा समय में पढ़ा हुआ है, उसको एक लेक्चर में खत्म करना है। कंटेंट क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। सिंगल फेज एसी से शुरुआत करेंगे फ्रॉम जनरेशन, ठीक है, एसी की जनरेशन के बाद हम लोग इसके बेसिक ईएमएफ इक्वेशंस को देखेंगे, जनरेशन एंड ईएमएफ इक्वेशन, जनरेशन एंड ईएमएफ इक्वेशन। फिर इसके बाद हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन पार्ट पे आएंगे, रिप्रेजेंटेशन पार्ट, और रिप्रेजेंटेशन पार्ट के अंदर हम देखेंगे इसके तीन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे ग्राफिकल, फिर मैग्नीट्यूड, फिर मैथमेटिकल। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपने शुरुआत में लिखा हुआ है ये सब। मैथमेटिकल पूरा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे एकदम, हर चीज सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड, उसी आधार पे पढ़ेंगे एकदम, कुछ भी सीक्वेंस मिसमैच नहीं होगा। आपने अगर नोट्स बनाया है फुल लेंथ क्लास में, तो आपकी नोट से हर चीज सीक्वेंस में मैच हो जाएगा, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। तो ग्राफिकल फॉर्म के अंदर क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल फॉर्म के अंदर हम लोग देखेंगे अबाउट द वेव एंड फेजर। फिर मैग्नीट्यूड के अंदर हम लोग तीन फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड के अंदर कौन कौन से तीन फॉर्म देखेंगे भाई, तो मैग्नीट्यूड में सबसे पहले देखेंगे अबाउट इंस्टेंटेनियस, उसके बाद पीक, फिर एवरेज, फिर आरएमएस फॉर्म, ठीक है। एंड देन मैथमेटिकल के अंदर फिर से हम लोग तीन वैरायटी के अंदर इसको भी पढ़ेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगुलर, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड देन पोलार। इतना कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा आफ्टर रिप्रेजेंटेशन, दिस विल बी आवर एनालिसिस पार्ट, एनालिसिस पार्ट। तो एनालिसिस पार्ट के अंदर हम लोग तीन बेसिस पर एनालिसिस करेंगे, एसी सर्किट विथ आर, एसी सर्किट विथ इंडक्टर एल, एसी सर्किट विथ कैपेसिटर सी। आरएलसी का बेसिक एनालिसिस देखेंगे और इसके बाद हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल पर मूव ऑन करेंगे आगे, है ना। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल, तो अगला पोर्शन होगा इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल के अंदर पढ़ते पढ़ते रेजोनेंस का पार्ट आएगा। तो रेजोनेंस में हम लोग फिर दो वैरायटी पे जाएंगे कि सीरीज एंड पैरेलल। एसी चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है इस पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के अंदर का, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा इसलिए इसके अंदर कंटेंट, और पूरा थोरली पढ़ने वाले हैं इसलिए थोड़ा टाइम है, बट कंप्लीट करेंगे इतना श्योरिटी है। तो रेजोनेंस के अंदर सीरीज पैरेलल, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आप, इसके अंदर पढ़ेंगे अबाउट द बैंडविड्थ, इसके अंदर पढ़ेंगे अबाउट द क्यू फैक्टर, सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा एल ओमेगा एच, इन सब की कंडीशंस दोनों के लिए अलग अलग, सीरीज के लिए भी और पैरेलल के लिए भी, और उसके एप्लीकेशन। देन इसके बाद आफ्टर रेजोनेंस नेक्स्ट जो हम लोग देखने जाएंगे, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा देखने का, वो रहेगा पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल के बाद अगला पॉइंट होगा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इन एसी। न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा इसके अंदर मैं अभी फिलहाल, सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक टॉपिक में पूरा रिवाइज करवाऊंगा, न्यूमेरिकल सेपरेटली हम लोग किसी और क्लास में करेंगे। तो ये कंप्लीट टॉपिक्स का रिवीजन रहेगा, फुल टॉपिक्स का रिवीजन। तो इसी के तुरंत बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे थ्री फेज एसी, थ्री फेज एसी सर्किट्स यहां से शुरू हो जाएगा। अब थ्री फेज एसी सर्किट्स का स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, इस थ्री फेज एसी सर्किट्स के भीतर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इसका भी जनरेशन, जनरेशन एंड ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें रहेगा फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ थ्री फेज सिस्टम। नेक्स्ट इसके बाद होगा कनेक्शन, अगला जो पॉइंट इसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट होगा कनेक्शन इन थ्री फेज एसी, कनेक्शन, कनेक्शन के अंदर देखेंगे सबसे पहले स्टार, अब इसके लाइन एंड फेज क्वांटिटी,
का रिलेशन। ठीक, सिमिलरली इसी के अंदर हम लोग देखेंगे अबाउट द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, इसमें भी सेम यही लाइन और फेज क्वांटिटी का रिलेशन, इनका देखेंगे रिलेशन आपस में इसका क्या रिलेशन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पावर इन थ्री फेज एसी, और लास्ट रहेगा पावर मेजरमेंट बाय टू वॉट मीटर मेथड कंप्लीट। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस को आप बोलेंगे सर सिलेबस लिखने में इतना टाइम लगा, अभी तो इतना सिलेबस जो आपको बोर्ड पे जितना मैंने लिख के दिखाया है ये पूरा का पूरा आज की क्लास में इसी लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये अपना प्लान है। ठीक है, फर्स्ट सेम की क्लास है नीरज, फर्स्ट सेम के लिए ही है, फर्स्ट सेम के लिए पूरा रिविजन है, फर्स्ट सेम के लिए ना कंप्लीट रिविजन है। ठीक है, लास्ट में अच्छा ओके आपके एग्जाम, अच्छा आप लोगों का अपना भी बातचीत चल रहा है उधर। ठीक है ठीक है ठीक है, फॉर्मूला सब एक प्लेस पे लिखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला मैं पूरा लास्ट में, या आप चाहें तो फॉर्मूला मेरे साथ साथ आप लोग रिलेट करके एक जगह पे लिख लीजिएगा लास्ट में। ठीक है, अब मैं पूरा टॉपिक वाइज स्टार्ट करता हूँ। ये जितना यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है ये पूरा है, ये आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा 100% सिलेबस एसी का इसके अंदर कवर हो जाएगा। एक आध चीज़ें जो छोटी मोटी जो बचेंगी उसको हम लोग फुल लेंथ लेक्चर के अंदर देखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से पोर्शन। ठीक है, फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द सिंगल फेज एसी, इसके जनरेशन से बात करते हैं। सिंगल फेज एसी सर्किट, जनरेशन ऑफ सिंगल फेज एसी इज बेस्ड अपॉन फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी का जनरेशन जो होता है सिंगल फेज एसी का, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट की हम लोग बात कर रहे हैं, और एसी का जनरेशन प्योरली डिपेंड करता है अपॉन द फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो फोल्ड में वर्क करता है, दो फोल्ड में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। पहला फोल्ड उसका ये बताता है कि वेन एवर देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ इज गोइंग टू इंड्यूस इन द सेट ऑफ कंडक्टर्स। तो अगर सपोज कर लीजिए आपके पास कंडक्टर्स, ये आपके पास ऐसे सेट ऑफ कंडक्टर्स है मान लीजिए, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर आप एक रिलेटिव मोशन कंडक्ट करवाते हैं, अगर आप एक रिलेटिव मोशन क्रिएट करवाते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास सेट ऑफ कंडक्टर्स, लाइक दिस, ठीक है, और इसके करीब में आप एक मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के आ गए। मान लीजिए आपके पास ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहां पर क्रिएटेड है, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है ये लिंक करेंगी किससे, इस कंडक्टर से, और जितना इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जितना इनका लिंकेज होगा, लिंकेज दो फॉर्म में पॉसिबल है, इनके लिंकेज को हम लोग साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनके लिंकेज को हम लोग साई से डिनोट करते हैं, साई इज गिवन एज एन फाइव, ऐसा रिलेशन होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्लक्स लिंकेज, दिस इज द फ्लक्स लिंकेज। तो पूरे फ्लक्स से मैटर नहीं करता है, जो मेन जो मुद्दे की बात है वो है फ्लक्स लिंकेज की, कितना फ्लक्स लिंक होगा उस हिसाब से उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके प्रोपोर्शन पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फराडे का नियम ये बोलता है कि आप फ्लक्स का लिंकेज दो तरीकों से करवा सकते हैं। फ्लक्स का लिंकेज इज पॉसिबल ईदर विद द वेरिएशन इन स्पेस, ईदर विद द वेरिएशन इन स्पेस, या फिर बाय द वेरिएशन इन टाइम। तो क्वांटिटी का वेरिएशन या तो टाइम के रिस्पेक्ट में करवा दो या स्पेस के रिस्पेक्ट में, इन बोथ द कंडीशन देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर्स। रिलेटिव मोशन की बात हम लोग जो कर रहे हैं, इसे स्पेस का फॉर्म अगर मैं बोलूं तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं इसके थ्रू अगर गुजारता हूं, सो इन दैट केस क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे इसके अंदर गुजरेगा वैसे वैसे क्या होगा, यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ का इंडक्शन होगा। अगर मान लीजिए यहां पे मैं गैल्वेनोमीटर लगा के चेक करता हूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये डिफ्लेक्शन फराडे का नियम का पहला हाफ ये बोलता है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उस कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस होगी कंडक्टर्स के भीतर। तो जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाए, आप कंडक्टर को भी इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करवाते हैं तो उस कंडीशन में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, पहला नियम। तो फराडे के नियम के हिसाब से जो ईएमएफ का इक्वेशन बनता है वो ऐसा लिखा जाता है, ई इज इक्वल्स टू एन
डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन डी टी, साई के फॉर्म में लिखते हैं। अब साई को हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ये बन जाता है एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो इतना डेप्थ में ना जाके हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। बट अगेन अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये जो ई एम एफ का इक्वेशन है सर, इसमें माइनस साइन भी तो आता है, वो कहाँ से आ जाता है? तो बिल्कुल सिंपल है, माइनस साइन आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ लॉ। तो फराडे का नियम और लेंस का नियम नियम जो है दोनों को मिला करके जब देखते हो तब जाके फाइनल एक्सप्रेशन बनता है इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इससे जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो ऐसा फील्ड बनाएगी जो अपनी कॉज वाली फील्ड को अपोज करना शुरू कर दे, ठीक है। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, इससे जो करंट इंड्यूस होगी सिस्टम के अंदर, वो ऐसा फील्ड क्रिएट करेगी, उस करंट की वजह से ऐसा फील्ड क्रिएट होगा, वो फील्ड अपोज करेगा अपनी कॉज को, जिस फील्ड की वजह से वो बन रहा है उसी को अपोज करने का कोशिश करेगा, उसी को अपोज करेगा, इनफैक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा, इसकी वजह से नेगेटिव साइन लगता है। तो फराडे के नियम के साथ लेंस का नियम भी आप मिलाते हो तो माइनस का साइन निकल के आता है। फिर दूसरा चीज, फराडे के लॉ का दूसरा फोल्ड ये बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगी कि कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। तो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। जितना फ्लक्स का लिंकेज बढ़ाओगे उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, जितना फ्लक्स का लिंकेज कम करोगे उतनी कम ईएमएफ का इंडक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए ठीक है सर, मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे जेई का तैयारी करना है सर। बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, फुल लेंथ आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है, फुल लेंथ आप इसे मस्त तरीके से पढ़ सकते हो अच्छे से। नीरज ने लिखा है कि सर आप पहले से बहुत चेंज हो गए हो। अरे बाप रे, अच्छा वाला कि बुरा वाला, डरा दिया आप तो, ठीक है। ओम बताइए बताइए क्या इशू है बताइए। मैं थोड़ा सा अभी कमेंट कम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, फिर ग्रेजुअली आगे चल के मैं कमेंट लूंगा आप लोग का, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे देखते हैं आप लोग के कमेंट्स और, ठीक है। जनरेशन, जनरेशन पार्ट यहाँ तक पहुँच गया अपना। अब इस जनरेशन के पार्ट में एसी कैसे जनरेट हो जाती है, हमको कैसे पता चलेगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रही है? तो भाई ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट हो रही है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा फिनोमिना लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस सपोज कि अगर इस तरीके से ऐसा कोई सिस्टम हम लोग बना दिए, ठीक। अब यहाँ पे जिस जनरेशन की मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, दिस मैकेनिज्म इज बेस्ड अपॉन द वेरिएशन इन स्पेस। अगर मैं आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहा होता तो मैं आपको दूसरा फिनोमिना बताता, मैं आपको बोलता कि अब हम जिस भी जनरेशन की बात करेंगे ना, इट विल बी बेस्ड अपॉन द वेरिएशन इन टाइम, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक मशीन, स्टैटिक डिवाइस, और स्टैटिक डिवाइस के अंदर हमेशा वेरिएशन इन टाइम का रिस्पेक्ट जो है वही काम कर सकता है, तब जाके फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलो होगा। वहां पर वेरिएशन इन स्पेस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ रोटेटिंग मशीन के भीतर ये पॉसिबल है। ऑल्टरनेटर जनरेटर जो है वो इस फिनोमिना के अंदर काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं, वेरिएशन इन स्पेस, वेरिएशन इन टाइम का प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे वेरिएशन इन स्पेस की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा एक मैग्नेटिक सेगमेंट है ना, ऐसा कोई मैग्नेटिक सेगमेंट है, यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ, ठीक। लाइन ऑफ फोर्सेस ऑब्वियसली नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रही होंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस पोर्शन का हम लोग मान लेते हैं बी टेस्ला, कैपिटल बी टेस्ला के फॉर्म में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो हम लोग बता रहे हैं वो ऐसा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक सेट ऑफ कंडक्टर्स को मैंने मान लीजिए प्लेस कर दिया है, एन नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स वाला कोई कंडक्टर मैंने यहां पर रख दिया। अचानक से कैमरा बंद हो जाएगा, बैटरी एक बची हुई है, चलिए इसको मैं जैसी बंद हो जाएगा तुरंत मैं चेंज करूंगा इसकी बैटरी, ठीक है, घबराना नहीं हमको। चलिए ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद नेक्स्ट ये हुआ कि अब यहां से, अब मुझे पता नहीं कि एसी दिखने कैसे वाली है, उसका उसका वेव कैसा बनेगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा वो सब नहीं पता, बस इतना पता है कि मुझे इसको 360 डिग्री घुमाना है इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, और फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। तो मैं इस कंडक्टर को ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा देखते हैं, इसको जैसे जैसे मैं घुमाना शुरू करूंगा, तो जैसे जैसे मैं यहाँ से रोटेट करना शुरू करूंगा, आप देखिएगा उतनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस इससे इंटरेक्ट करेंगी, और जितनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस इससे कॉन्टैक्ट में आएंगी उतना ज्यादा ये ईएमएफ बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ई जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, इस हिसाब से जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा इस कंडक्टर के साथ उस प्रपोर्शन में ईएमएफ बनेगी। तो जैसे जैसे मैं इसको घुमाना शुरू करता हूँ वैसे वैसे यहाँ ईएमएफ जो है, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड ऐसे ऊपर जाने शुरू होती है, ठीक है। अगर मैं ये ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी रेडियंस के फॉर्म में अगर शो करता हूँ, तो
ईएमएफ वर्सेस ओमेगा टी रेडियंस के फॉर्म में। तो इसको मैंने घुमाना शुरू किया, इसको और ऊपर लेके जाता हूँ मैं, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेज इससे इंटरेक्ट करती हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि ये 90 डिग्री, देखिए बोर्ड पे भी आपको यहाँ 90 डिग्री छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा होगा, जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री पर लेके आऊंगा उस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स का लिंकेज होगा इस कंडक्टर के साथ, और मैक्सिमम फ्लक्स से आपको मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ, ई मैक्स। तो जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर कॉइल को घुमा रहा था वैसे वैसे उतनी लाइन ऑफ फोर्सेस इससे टच हो रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी, उतनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस इससे कट होती चली जा रही थी, और उसी मैग्नीट्यूड में, उसी प्रोपोर्शन में हमको ईएमएफ मिल रहा था। अब 90 डिग्री के आगे जब मैं इसको घुमाना शुरू करूंगा, आफ्टर बियॉन्ड 90 डिग्री, ये देखिए 120, 125, 140 ऐसा दिख रहा है आपको, उस कंडीशन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हमसे मिस होने लग जाएंगी, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो मिस होती चली जाएंगी, और उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पर ईएमएफ भी अपनी मैग्नीट्यूड खोता चला जाएगा। एक पॉइंट पर, यानी कि आफ्टर 180 डिग्री ऑफ रोटेशन, 180 डिग्री जैसे ही यहाँ कंप्लीट होगा, ये देखिए 170, ये देखिए इस पॉइंट पर लिखा हुआ दिखेगा 8980, 180 डिग्री, ये आ गए हम 180 डिग्री पे, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ यहाँ से, ये बी और ए की पोजीशन चेंज हो जाएगी, अब इधर आ गया ए और इस तरफ आ गया बी, कॉयल का फेस चेंज हो चुका है, अब डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया, ठीक। और ईएमएफ अपनी कौन सी मैग्नीट्यूड पे पहुंचा, ईएमएफ अपनी लोएस्ट मैग्नीट्यूड पे पहुंच गया, कौन सा पोजीशन है ये रेडियंस में, 180 डिग्री का, जीरो से शुरू किए थे, 180 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट। अब इसके आगे जब मैं इसको घुमाऊंगा 360 डिग्री के लिए, तो सेम फिनोमिना यहां से फिर से होगा, देखिएगा जब इसको मैं यहां से आगे रोटेट करवाऊंगा तो फिर लाइन ऑफ फोर्सेज इससे इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे, एंड ग्रेजुअली 270 डिग्री पर जब मैं पहुंचूंगा फिर से पीक अटेन करेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो चुका रहेगा, और ऐसा घुमाते हुए इसको मैं वापस 360 पे लेके आऊंगा जीरो पे। तो ये ग्राफ सेकेंड हाफ में भी आपको वैसी दिखाई देगी जैसी फर्स्ट हाफ में बनी हुई है, ठीक है, ये ग्राफ सेकेंड हाफ में भी बिल्कुल वैसी दिखाई देगी जैसे फर्स्ट हाफ में है, मैक्सिमम यहाँ पे भी अटेन करेगा लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये माइनस ई एम दिख रहा है, इधर प्लस ई एम आपको दिख रहा है, ये ग्राफ का कंप्लीशन हो गया 2π पर, और ये वेरियस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के साथ एक कंप्लीट सी ग्राफ हमको इसके अंदर बनी हुई दिख रही है। सारे के सारे लाइंस को इसके हम लोग ज्वाइन कर दें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसा। तो ये हमारी एसी की वेव फॉर्म निकल के आई इससे, जस्ट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, तो हर इंस्टेंट पे एक नई मैग्नीट्यूड आपको दिख रही होगी, हर एक टाइम इंस्टेंट पर आपको एक नया मैग्नीट्यूड दिखेगा ईएमएफ का, देखिए डीसी से बिल्कुल अलग है ये ग्राफ, है ना, इसकी अब क्या क्या टेंडेंसीज निकल के आई। तो एक एसी साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो से लेकर 2π के ड्यूरेशन में वी हैव वन एसी साइकिल, एक कंप्लीट एसी साइकिल बनाने में क्या क्या दिखा आपको, वन एसी साइकिल विल हैव फॉलोइंग टेंडेंसीज, क्या क्या दिखा आपको इसके अंदर, दिखा एक पोलैरिटी शिफ्ट, एक बार पोलैरिटी शिफ्ट होगा यहां पर, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक बार पोलैरिटी शिफ्ट हुआ। दूसरी चीज आपको दिखेगी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, ठीक है। थर्ड थिंग, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म होने के अलावा तीन बार आप देखिए मैग्नीट्यूड इसकी जीरो को अटेन की है, इस पॉइंट पर अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे वाई एक्सेस पे मैग्नीट्यूड ट्रेस करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस का, ठीक है, एक्स एक्सेस पे हम लोग टाइम ड्यूरेशन या फेज एंगल्स को ट्रेस करते हैं जैसे आप रेडियंस में देख रहे हो यहाँ पे, वाई एक्सेस पे हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड्स को ट्रेस करते हैं क्वांटिटी की, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड्स को। तो वाई एक्सेस अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जीरो मैग्नीट्यूड है पूरा, तो ये जीरो तीन बार अटेन हुआ, जीरो पे, पाई पे और 2π पे। तो जीरो मैग्नीट्यूड्स थ्राइस, तीन बार जीरो मैग्नीट्यूड इसने अटेन किया, एक बार पोलैरिटी शिफ्ट किया, दूसरा चीज सिमेट्रिकल मैग्नीट्यूड का, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट थिंग, अगर इसके आगे मैं कंटिन्यू करूं तो अगली ग्राफ भी ऐसी बनेगी, इसका भी पीक इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंगली रिपीटिंग, इसका हल हर ऑल्टरनेट सेगमेंट खुद को रिपीट कर रहा है, जितनी मैग्नीट्यूड जितने इंस्टेंटेनियस है इसका एवरेज आपको एक हाफ में मिलेगा, इसके थर्ड हाफ में भी उसके बराबर मिलेगा, सेकंड हाफ में जो एवरेज था उसके फोर्थ हाफ के एवरेज के बिल्कुल बराबर आपको मिलेगा, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है सारा चीज है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आप देखोगे टू पीक वैल्यूज, ये दिखेगा आपको, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगे कि इसका एवरेज निकालोगे तो इसका कंप्लीट एवरेज फॉर अ 360 डिग्री साइकिल जीरो, आधी साइकिल का एवरेज निकाल सकते हो आप, फुल साइकिल का एवरेज निकालोगे इट विल बिकम जीरो, क्यों, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है आपका, फुल्ली सिमेट्रिकल वेव है। वेरियस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज
ठीक है, ये दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर आपको दिखेंगे। अब चलते हैं इसके ईएमएफ इक्वेशन पे, कि इसका ईएमएफ इक्वेशन अगर इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पर लिखा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू बहुत सारी है, तो पता कैसे चलेगा कि एक इंस्टेंट की वैल्यू कितनी। ईएमएफ का जनरलाइज्ड इक्वेशन तो हम लोगों ने लिख लिया कि इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस का पता कैसे चलेगा कि एक इंस्टेंट पे कितना ईएमएफ दे रहा है, वो कैसे बताऊं। तो इस क्वांटिटी के अंदर एक ही चीज है जो फिक्स है, वो इसकी मैक्सिमम है। एक ही चीज है जिसकी मैग्नीट्यूड हमको पता रहती है कि भाई मैक्सिमम इतना वैल्यू दे रहा है, 200 300 400 जितना भी होगा उसका पीक फिक्स्ड है, पीक पता है। तो इसी के आधार पर हम इसका इंस्टेंटेनियस से लेकर सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक और टर्म लिखना चाहिए कि साइनोसॉइडल वेव है, साइन का एंगल बनाती है, बट अभी नहीं लिख रहा हूँ, वो जब इंस्टेंटेनियस का डेरिवेशन कर लेंगे छोटा सा ईएमएफ इक्वेशन, तभी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था ईएमएफ का, हम लोगों ने देखा हुआ था। वैसे इसमें फुल डेरिवेशन नहीं करने वाले हम लोग, बट ठीक है, चलिए फटाफट से इसको बता देता हूं मैं। ईएमएफ इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि ई इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट किए थे, जहां पे फाई को अगर मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूं, साइन थीटा और कॉस थीटा के, यानी कि पैरल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट में अगर मैं एक्सप्रेस कर लेता हूँ। देखिए, अगर इस डायरेक्शन में पूरा फील्ड है हमारे पास, है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस दिशा में है, और यहां से आप इस कॉयल को किसी भी नॉन मैक्सिमम पोजिशन पर रख दीजिए, ऐसे ना, कोई भी नॉन मैक्सिमम पोजीशन पे। मैक्सिमम पे तो हमको पता ही है कि इसकी वैल्यू ई एम हो जाएगी, और जीरो पे भी पता है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच की कोई पोजीशन पे इसको रखिए। अब इसको दो कंपोनेंट्स में आप ब्रेक कर दीजिए, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द कॉयल, कॉयल ना, ये देखिए, इसको दो कंपोनेंट्स में मैं ब्रेक करके आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस, ऐसा। ये ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, ये इसकी मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज को शो करेगा कि इस पोजिशन पे मैक्सिमम फ्लक्स के साथ ही अलाइन होने वाला है। ठीक है, अगर इससे परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम फ्लक्स यहां पर मिलेगी, और बाकी इसके दोनों कंपोनेंट फाइव एम कॉस ओमेगा टी एंड दिस इज फाइव एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो फाइव की वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं, फाइव एम कॉस ओमेगा टी, नॉन मैक्सिमम कंडीशन है, इसको पुट कर दिया, ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, है ना, और फाइव एम को बाहर निकाल लेंगे, ई इज इक्वल्स टू, यहां पे बाहर फाइव एम लिख लीजिए आप, तो यहां पे हो जाएगा माइनस एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस साइन यहां से कैंसिल आउट कर लेंगे आप यहां का, और ई की वैल्यू आपको फाइनली मिलेगी माइनस एन ओमेगा फाई एम, या एन ओमेगा फाई एम के फॉर्म में, माइनस तो हट गया, एन ओमेगा फाई एम इंटू साइन ओमेगा टी का फॉर्म। यहां से आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू दिस होल वैल्यू इज नथिंग बट ई एम, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज हो रहा है और एन ओमेगा इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, सो दिस विल गिव यू द मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी। तो इस डेरिवेशन से ज्यादा मेन मुद्दा ये है कि आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान में रहे, दिस इज द इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। भाई देखिए, इसमें ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि रैंडमली किसी भी इस इंस्टेंट पे इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। यहां पे मान लीजिए ई टू है, E2 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, पीक हमको पता है कि ई मैक्स कितना होगा, जीरो पता है कि कितना होगा, लेकिन बीच में जो इंस्टेंट्स आ रहे हैं उस पर कितनी वैल्यू है, ये पता लगाने के लिए हम लोग इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइन का फॉर्म जो है वो आ रहा है, साइन के फॉर्म में, साइन के एंगल्स के फॉर्म में ये पूरा का पूरा ग्राफ ट्रेस हो रहा है, ये हमको इससे समझ आया। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई एम एफ यहाँ से निकल के, और सिर्फ ये इसके लिए नहीं लागू होता है, ये सभी के लिए सेम रहता है। मतलब करंट के केस में आप लिखते हैं इसको आई एम साइन ओमेगा टी, वोल्टेज के केस में एक्सप्रेस करते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, स्मॉल लेटर्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं, एंड ये इनकी वैल्यूज रहती है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है एसी को रिप्रेजेंट करने का। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बाद जनरेशन पार्ट के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी पे। ठीक है, तो नया हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। एसी का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीकों से हो सकता है, तो भाई ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन तीन तरीकों से होता है मेजरली। कौन कौन से तीन मेथड्स हैं देखेगा, सबसे पहला होता है ग्राफिकल फॉर्म। अब ग्राफिकल फॉर्म के अंदर दो फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से, तो इसमें सबसे पहला होता है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म बनाने का क्या तरीका, तो भाई वेव फॉर्म बनाना बहुत ही आसान। वेव फॉर्म का मतलब यह होता है कि अगर आप क्वांटिटी में, क्वांटिटीज का जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन आप बना रहे हैं, अगर उसके अंदर आपने एक एक्सिस पर आपने टाइम ड्यूरेशन या फेज एंगल लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ओमेगा टी रेडियन लिखा, तो एंगल बता रहा हूँ, एंगल डिग्री या रेडियन में से किसी में बता सकता हूँ मैं, और दूसरा जो एक्सेस है वाई एक्सेस, इसमें क्वांटिटी की आप मैग्नीट्यूड को शो कर लीजिए कि कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना है बस आपको। ठीक है, तो अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, कि जैसे ई एम एफ है,
करंट है, वोल्टेज है, इसकी हर इंस्टेंट की वैल्यू उसको मैं वाई एक्सिस पे अगर दिखाऊं, तो उस कंडीशन में वेव फॉर्म जो मैं बनाऊंगा, जो ग्राफ में ट्रेस करूंगा इन दोनों के बीच में, वो कहलाएगा वेव फॉर्म। इसमें एक से ज्यादा क्वांटिटी को भी मैं इसी ग्राफ के अंदर शो कर सकता हूँ, डिपेंडिंग कि सभी क्वांटिटीज की जो फ्रीक्वेंसी है दैट हैज टू रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं मल्टीपल क्वांटिटीज को भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक और क्वांटिटी है, मैं उसको भी ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ इसके अंदर। तो ये वेव फॉर्म्स है। फेज डिफरेंस एंगल भी इसके अंदर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि कौन एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे सेपरेटेड है। दूसरी तरफ हम लोग जो दूसरा ग्राफ पढ़ते हैं दैट इज फेजर, सेकेंड जो ग्राफ है दिस इज द फेजर ग्राफ। फेजर कैसे बनता है, तो फेजर इज प्लॉटेड बिटवीन द क्वांटिटीज जहां पे लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ हमको ड्रॉ करना होता है। लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ इज ड्रॉन विच विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, इसके डेफिनेशन में ही आता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इधर पीक क्वांटिटी या आरएमएस क्वांटिटी, पीक या आरएमएस में से कोई भी एक क्वांटिटी के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो फेजर को। तो फेजर में मान लीजिए मुझे दो क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना है, एक तरफ वोल्टेज एक तरफ करंट है, तो मैंने अगर किसी एक को ऐसे रेफरेंस पे ड्रॉ कर लिया तो दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में लीड या लैग करता हुआ मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन देयर मैग्नीट्यूड लाइन की लंबाई वैसे ही आप बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज है, इसकी मैग्नीट्यूड 200 वोल्ट है, इसकी लाइन की लंबाई मैंने यहाँ तक शो किया। दूसरी तरफ मेरे पास एक करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड 100 एम्पियर है मान लीजिए, तो इसकी लाइन की लंबाई इससे बड़ी नहीं हो सकती ना, इससे छोटी दिखनी चाहिए, और दोनों के बीच में सेपरेशन एंगल मान लीजिए 30 डिग्री का है। तो इसको देख करके आप बता दोगे कि यहाँ पर करंट I1 जो है वो लीड कर रहा है अपनी वोल्टेज V से। वहीं दूसरी तरफ मैंने एक और करंट ड्रॉ किया I2 जो लैग कर रहा है अपने वोल्टेज से बाय 30 डिग्री, और I1 और I2 दोनों करंट के बीच का टोटल एंगल में कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा 60 डिग्री के डिफरेंस में है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ एंगल और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बहुत मायने रखता है। अगर मैं सबकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ विथ ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो उस हिसाब से मुझे ये लीड करता हुआ दिख रहा है I1 I2 से 60 डिग्री ऊपर। यही अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को मैं उल्टा कर दूँ, यानी एरो को अगर मैं नीचे बना दूँ ऐसे, और इस एरो को भी मैं रिवर्स कर दूं ऐसा शो कर दूं, तो अपने आप पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब I2 लीड करता हुआ दिखेगा फ्रॉम I1। तो ये फेजर बनाने के समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि फेजर जो है इसके अंदर हम क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कि हम ऐसा एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी मैग्नीट्यूड के आधार पर इसमें एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ कोई एक्स वाई एक्सिस का कोई सीन नहीं रहता, यहाँ स्पेस फेजर के अंदर हम मान के चलते हैं कि ये सब रोटेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एसी सर्किट्स के लिए यूनिवर्सल एजेंडा है, यूनिवर्सली हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। डीसी सर्किट्स के कैलकुलेशन के लिए आप सब चीज़ क्लॉकवाइज में लेते हो, तो बस यूनिवर्सली इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा फिक्स नहीं है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, बोथ आर इक्वली करेक्ट, ठीक है। तो बस ये डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के आधार पर आप उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जब फेजर का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो सभी क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड फॉर्म एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये वीएम दिया हुआ है और यहाँ पे आप आईआरएमएस ट्रेस कर रहे हो, वीएम वर्सेस आईआरएमएस नहीं बना सकते। अगर आपने एक को वीएम पर रखा तो ये भी आपका आईएम ही होना चाहिए और ये भी आपका आईएम के फॉर्म में होना चाहिए, मैक्सिमम के फॉर्म में। या आरएमएस रखे तो सब आरएमएस में हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं शायद क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं आज, सिर्फ टॉपिक, टॉपिक का ही पार्ट थोड़ा सा लेंदी है इसके अंदर, टॉपिक का पार्ट जो है ना वो करेंगे हम लोग फटाफट से, ठीक है। नीरज, अरे वाह, थैंक यू सो मच माय डियर, इंदौर से हो आप, थैंक यू सो मच डियर, लव यू। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा कम कमेंट में देख पा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक खूब सारे हैं, लास्ट लास्ट के टॉपिक पे पहुँचते पहुँचते मैं कमेंट देखूंगा ज़्यादा, बट पहले तो ये है कि आपको जल्दी से मैं पूरा कंटेंट बता दूँ फटाफट से, है ना। तो ये पहला पार्ट हो गया फेजर का, फिर इसके बाद नेक्स्ट ग्राफिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन खत्म, इसके बाद हम लोग आ गए मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग पहुंच गए, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को कितने फॉर्म में एक्सप्रेस किया हम लोगों ने, चार फॉर्म में। सबसे पहला हो गया इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस, देन इसके बाद हो गया पीक, इसके बाद हो गया एवरेज, एंड देन आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। कौन कौन सा फॉर्म कैसे वर्क करता है, देखिए इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन आपने देख लिया कि अगर वोल्टेज है तो इसको वीएम साइन ओमेगा टी आप लिखेंगे, है ना। सिमिलरली फॉर करंट या ईएमएफ के लिए भी ऐसे ही। नेक्स्ट होता है पीक, पीक मैग्नीट्यूड, या पीक को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, पीक को ही बोलते हैं क्रेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, ये सब वर्ड इसी के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पीक के लिए हम लोग ईएम का वर्ड, ईएम का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, या वीएम लिख सकते हो, या आई नॉट,
या आई एम, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, कैपिटल लेटर्स में एक्सप्रेशन बनेगा। पीक मैग्नीट्यूड फिक्स रहती है किसी भी क्वांटिटी के भीतर की, वो कितना पीक अटेंड करेगा, जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव हाफ के अंदर भी रहता है। क्यों? क्योंकि कॉइल आपकी सिमेट्रिकल है जो रोटेट कर रही है पूरे सिस्टम में, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू फॉर अ साइनोसॉइडल वेव, फॉर अ साइनोसॉइडल वेव जब आप एवरेज निकालते हो तो इसका एक्सप्रेशन आता है 2 IM/π। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आई एवरेज। ये कैसे निकलता है? एवरेज निकालने का बहुत छोटा सा सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पास ये वेव है, ठीक है, इसका फुल लेंथ आप चाहें तो, अगर इसमें ना समझ में आए तो आप फुल लेंथ एक बार देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इसका एक एक का डेरिवेशन करवाया हुआ है। यहाँ पे वैसे डेरिवेशन बताने का आज मुद्दा था नहीं, बट ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी हैं इसलिए मैंने कमेंट में शुरू में ही पूछ लिया कि आप फुल लेंथ पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब पूरा थॉरली थोड़ा स्टडी कर करके या सिर्फ शॉर्टकट में फॉर्मूले बेसिस पे। तो थोड़ा सा ऐसे बच्चे भी अपने पास जो कि थोड़ा सा फुल लेंथ चाह रहे हैं कि स्टडी हम लोग कर लें, तो मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आई एम है, 0 से π के ड्यूरेशन पे या π से 2π के सेगमेंट पे हमको एवरेज फाइंड करना है, क्योंकि ऑब्वियस थिंग है अगर मैं पूरा 0 से 2π एवरेज निकाल लूंगा तो दिक्कत ये जाएगी कि वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। जितना इधर का पहले हाफ का एवरेज आएगा, सेकेंड हाफ का भी एवरेज उतना ही मिलने वाला है मुझे, ठीक। तो करंट वर्सेज ओमेगा टी के फॉर्म में मैं एक ग्राफ ट्रेस किया मैंने, इसका मैं फाइंड कर रहा हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक। एवरेज निकालने का फंडामेंटल बहुत ही सिंपल है, आई एवरेज शुड बी गिवन एज एरिया अंडर द कर्व अपॉन एरिया अंडर द कर्व अपॉन टाइम पीरियड। एक और फंडामेंटल मैंने बताया था, ये दोनों में से कोई भी फंडामेंटल आप यूज कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व में आपने लिया है पॉजिटिव ऑल्टरनेशन, ठीक है, पॉजिटिव ऑल्टरनेशन। पॉजिटिव ऑल्टरनेशन का मतलब होता है पॉजिटिव हाफ, ऑल्टरनेशन का मतलब हाफ साइकिल। तो आधी साइकिल मैंने 0 से π तक की अज्यूम किया। एरिया अंडर द कर्व लिखने के लिए मैंने 0 से π में आई एम साइन ओमेगा टी रखा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और टाइम पीरियड के लिए मैंने रखा 0 से π, मतलब π-0। और एक्स एक्सिस पे ग्राफ हमारी ओमेगा टी रेडियंस के फॉर्म में, तो ओमेगा टी के फॉर्म में इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, आई एवरेज की वैल्यू। सॉल्व कर लेते हैं इसी को जब आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपका आई एवरेज जो है वो कैसा आएगा देख लेते हैं। यहां से आप आई एम अपॉन पाई को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, आई एम अपॉन पाई को आप बाहर निकाल लीजिए, और यहां पर फिर आप साइन ओमेगा टी इसका फिर आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, और फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और है ना, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में, और 0 से π के लिमिट में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 से π के लिमिट में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब 0 से π की लिमिट आप इसके अंदर पुट करेंगे, तो आपका आई एवरेज जो है वो आ जाएगा माइनस ऑफ -1, और हाँ ठीक है, तो प्लस दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ आई एम अपॉन पाई, 0.636 टाइम्स ऑफ आई एम, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। परसेंटेज के फॉर्म में बोलोगे तो 63.6% आई एम का जो होता है वो उसका एवरेज बताता है। सेम ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट के लिए एक्सप्रेशन है, दिस सेम एक्सप्रेशन इज फॉर वोल्टेज ऑल्सो। तो वी एवरेज भी आप लिखोगे तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ वी एम अपॉन पाई। ई एम का भी निकालोगे तो ई एवरेज विल बी लाइक दिस। ये आगे चल के जो है ना वो आपको किस में काम आएगा, ये आगे चल के आपको इसमें यूज होगा जब आप टाइम कांस्टेंट बताएंगे। टाइम कांस्टेंट में यही एवरेज का एक्सप्रेशन आपके लिए यूजफुल रहता है, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका, इससे हमको पता चल गया कि अच्छा साइनोसॉइडल का वेव का एवरेज कितना निकलता है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इज द इफेक्टिव वैल्यू, इसी को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, जिसका एक्सप्रेशन आता है आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई एम बाई रूट टू, ठीक है, या 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम के फॉर्म में इसको लिखते हैं। सेम थिंग फॉर वोल्टेज एज वेल। तो आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है कि आपके पास जो अवेलेबल क्वांटिटी है, वैसे इफेक्टिव वैल्यू उसको क्यों बोलते हैं पहले वो रीजन मैं बता दूं, फिर उसको आरएमएस का फॉर्म बताऊंगा। इफेक्टिव वैल्यू इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके पास एक रजिस्टर है नॉन वैल्यू का, इफ यू हैव अ रजिस्टर इसकी वैल्यू पहले से पता है, इससे अगर आप डीसी सप्लाई भेजते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो कुछ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पर डिसिपेट कराएगा ऑन द बेसिस ऑफ जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से आई स्क्वायर आर टी का फिनोमिना यहाँ पे काम करता है, और कुछ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हीट डिसिपेशन ये करवाएगा, एक्स डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, ठीक है। सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं एसी की इतनी वैल्यू भेजूं कि इससे भी हीट डिसिपेटेड उतना ही आ जाए एक्स डिग्री सेंटीग्रेड, तो एसी की वो मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगी यही मैग्नीट्यूड कहलाएगी इफेक्टिव वैल्यू। दिस विल बी इफेक्टिव
वैल्यू ऑफ ए सी। इसी को कैलकुलेट करने का तरीका है रूट मीन स्क्वायर, इसी को निकालने का जो मेथड है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी क्वांटिटी है आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या किया हम लोग, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाता है आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आई एम स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू का फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसका मीन निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए इसका मीन भी फाइंड कर लेते हैं। इसका जब आप एवरेज निकालोगे तो ये क्या हो, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन पाई माइनस जीरो ओमेगा टी के फॉर्म में, है ना, पी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आई का हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन टू पाई, यहाँ से हो गया ओमेगा टी, इसमें जीरो से पाई की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी साइन टू थीटा बाई टू, साइन टू ओमेगा टी बाई टू, जीरो से पाई और बीच में माइनस का साइन, ऐसा एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। इस पूरे में तो आप दोनों वैल्यू पुट करिए, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस जीरो बचेगा आपके पास, तो आई विल बी इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन टू पाई इंटू पाई माइनस जीरो, पाई और पाई आप कैंसिल आउट कर दो, यू विल गेट आई इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब इसका लास्ट में आप कर लीजिए रूट, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स, तो यू विल गेट आई इज इक्वल्स टू आई एम बाई टू, ये पूरा रूट के अंदर, ठीक है, आई एम स्क्वायर बाई टू। तो फाइनली यू विल गेट आई इज इक्वल्स टू, या आई आर एम एस, आई इफेक्टिव, कुछ भी इसको आप बोल सकते हो, दिस इज आई एम बाई अंडर रूट टू, जिसकी फाइनल वैल्यू होती है 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम। बहुत ही आसान आसान सब चीज़ें, छोटी छोटी सी, बस ये फटाफट से आप करते जाइए, पूरा समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो अब इससे हमको समझ में आ गया, अब इससे यहाँ से हमको समझ में आ गया कि आई एम बाई रूट टू के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। फुल लेंथ एक बार आप चाहें तो इसका एकदम डिटेल एक्सप्रेशन अगर देखना चाहें तो उसका फुल लेंथ वीडियो जो है उसमें हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे, अब इसके बाद आगे, आशीष वेरी गुड इवनिंग माई डियर, विशाल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से तो कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज देख सकते हैं, कॉलेज सभी बढ़िया रहते हैं एक तरीके से तो, बट आप है ना अपने पढ़ने के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कि आपको जो भी अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ आकाश कुछ बोल रहे थे आप, सर ऊपर गलत हुआ है, ठीक है, उसको सही कर लीजिए, आपको दिखा ना किस पॉइंट पे गलत हुआ है, हड़बड़ी में थोड़ा सा किसी भी पॉइंट पर अगर है तो उसको, बस इंटीग्रेशन का पार्ट है ये तो कर लोगे आप लोग, इसको सुधार लीजिएगा अगर कोई ऐसा पॉइंट कोई छूटा हुआ दिख रहा है आपको तो, ठीक है। ओमेगा टी यहाँ पाई बाहर आ गया, यहाँ ओमेगा टी हो गया कॉस टू ओमेगा टी साइन टू थीटा बाई टू, ठीक तो है, इससे पहले कहीं कुछ छूटा होगा तो उसको सुधारिएगा, ठीक है। तो फाइनली एक्सप्रेशन आपका आई आर एम एस का ये यहाँ से मिल जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट, तो इफेक्टिव वैल्यू, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना भी एक्सप्रेशन आप लिखेंगे हमेशा आर एम एस के फॉर्म में ही आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अपना मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया, थर्ड नंबर पर आप रिप्रेजेंटेशन में पढ़ते हो मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब मैथमेटिकली क्वांटिटी को कितने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, चलिए इसके अंदर लिखते हैं। इसके अंदर भी पहला होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर किसी क्वांटिटी को रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इट इज जस्ट लाइक द कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप करते हो, बस कुछ वैसे ही एक्सप्रेशन आपको इसके अंदर बनाना है, ठीक है। तो अब कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर एक्स कोई क्वांटिटी है इट इज गिवन एज ए प्लस माइनस जे बी, एक्स कोई क्वांटिटी है तो इट इज गिवन एज ए प्लस माइनस जे बी। ए यहां पर किस चीज को शो कर रहा है, ए शो कर रहा है उसके कॉन्स्टेंट पार्ट को, बी शो कर रहा है फ्लक्चुएटिंग पार्ट को, और जे का एक्सप्रेशन जो है, जे ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, ये 90 डिग्री की फेज शिफ्ट को शो करता है, ठीक, 90 डिग्री की फेज शिफ्ट को शो करता है, जिसकी वैल्यू अंडर रूट माइनस वन के फॉर्म में, न्यूमेरिक वैल्यू अंडर रूट माइनस वन के फॉर्म में हम लोग बताते हैं, फेजर फॉर्म में ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो अगर किसी क्वांटिटी के सामने जे लगा हुआ है इसका मतलब वो 90 डिग्री का शिफ्ट जो है, या उसका फेज शिफ्ट जो है आइडियल कंडीशन में 90 डिग्री, प्रैक्टिकल कंडीशन में फेज शिफ्ट को केवल ये शो कर सकता है। देन पॉजिटिव साइन जो है ये किस चीज़ को शो करता है, लीडिंग कंडीशन, और नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है, लैगिंग कंडीशन, नेगेटिव साइन जो है वो लैग कंडीशन को शो करेगा, ठीक है। और इसी के अंदर अगर आपको फेज डिफरेंस एंगल फाइंड करना है फाई, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाता है टैन इनवर्स बी बाई ए, टेन इनवर्स बी बाई ए का फॉर्म जो है वो रहता है। तो बी यानी कि यही फ्लक्चुएटिंग पार्ट, और ए का मतलब ये कॉन्स्टेंट पार्ट। आगे चल के आप लोग इम्पिडेंस ट्रायंगल के अंदर इसी के बारे में देखते हैं कि इम्पिडेंस जेड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, ठीक है।
मैंने दोबारा पुराना लेक्चर खोल दिया क्या? उत्कर्ष ने लिखा हुआ है? नहीं, ये अभी प्रेजेंट वाला ही चल रहा है उत्कर्ष। बढ़िया, अभी वही चल रहा है, प्रेजेंट वाला है। ठीक है, चलिए। तो अब एक फॉर्म हो गया यहाँ पर कंप्लीट। दूसरा फॉर्म नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें कैसे करते हैं हम लोग? अगर कोई क्वांटिटी आपके पास एक्स है तो इट इज गिवन एज ए कॉस फाइव प्लस माइनस जे बी साइन फाइव। अब ये क्यों इस दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया भाई हम लोगों ने? भाई इसका फंडामेंटल ये है कि यहां पर क्वांटिटी को उसके पैरेलल पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। जैसे हम लोगों ने ईएमएफ इक्वेशन के समय साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में उस फाई की वैल्यू को एक्सप्रेस किया था उस कंडीशन पर। तो यहाँ फाई अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो उसका मतलब फाई जो है आपके पास नोन है। और तीसरा जो एक्सप्रेशन रहता है दैट इज पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हम लोग किसी भी क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अगर एक्स कोई क्वांटिटी है तो इट इज गिवन एज मॉड ऑफ एक्स एट एन एंगल प्लस माइनस फाइव। कैलकुलेटर का ऑपरेशन हम लोगों ने इन सब का देखा हुआ है कि कैलसी में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी फाई कैलकुलेट करने का तरीका सेम हो सकता है, और पोलार फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करो इसका मतलब फाई आपके पास है पहले से, तभी आप उस चीज़ को पोलार में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मेजरली मैथमेटिकली तीन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन बनता है, और इसी का हम लोगों ने कन्वर्जन भी देखा हुआ था कि एक से दूसरे फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन पार्ट। रिप्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए थे एनालिसिस पार्ट पर। नेक्स्ट वॉज एनालिसिस। अब एनालिसिस ऑफ एसी जब हम लोग देख रहे थे तो इसमें हम लोगों ने तीन फॉर्म देखा था। कौन कौन से तीन फॉर्म? सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कंटेनिंग रजिस्टिव लोड, कंटेनिंग रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड का जब एनालिसिस देखा हम लोगों ने एसी सप्लाई पे, बोलने का मतलब ये है कि अगर एक प्योर रजिस्टेंस को लगा देते हो आप और इसको आप ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ये एनालिसिस देखने का तीन फंडामेंटल हम लोगों ने समझा था कि एनालिसिस करने का तीन मेजर मुद्दा क्या होता है। सबसे पहला हमको एक पर्टिकुलर लोड के टाइप के लिए ये देखना है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल में क्या चेंज आता है। दूसरा चीज़ ये देखना होता है कि जो भी रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस आप लगाए हो उसकी मैग्नीट्यूड एसी पर कितनी आती है। और तीसरी चीज़ ये देखनी होती है कि पावर कंजम्पशन के केस में कितना होता है। इसी तीन चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोग ये एनालिसिस का पार्ट देखते हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहला पार्ट रेजिस्टिव लोड के लिए, अगर एक प्योर रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम्स हम लोगों ने लगा रखा है और सप्लाई वोल्टेज को मैं फिक्स करके वी एम साइन ओमेगा टी रखता हूँ तो इसके लिए करंट का एक्सप्रेशन कितना आएगा, यही पूरा मुद्दा है सॉल्व करने का। तो जब हम लोगों ने वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी रखा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आई इज इक्वल टू वी बाई आर का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, स्मॉल वी बाई आर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये अपना पहला इक्वेशन था। इसमें वी की वैल्यू आप पुट कर दोगे यू विल गेट आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, और वी एम अपॉन आर इज नथिंग बट आई एम, तो आई इज इक्वल टू आप आई एम साइन ओमेगा टी इसको लिख सकते हो। ठीक, अब इसे आप सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यू कैन से कि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव लोड। तो एक प्योर रेजिस्टेंस अगर लगा होगा सर्किट में, ओके कैमरा बंद हो गया, हाँ जी अभी अभी वापस से स्टार्ट हुआ क्या? मुझे लगता है अभी फिर से शुरू हो गया होगा, अभी वापस से शुरू हो गया। चलिए बढ़िया, अच्छा हुआ मैंने समय रहता, मुझे उम्मीद था कि ये बंद हो जाएगा जल्दी, बैटरी एक ही ब्लॉक उस पर बचा हुआ था। चलिए बढ़िया, राइट कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो इससे हमको क्या क्या समझ में आया? पहला चीज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता अगर रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है तो। दूसरा चीज़ रेजिस्टेंस का जो केस है आर इज इक्वल टू वी बाई आई डायरेक्टली बता सकते हो। और तीसरा चीज़ हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं पावर का, पावर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो पावर का एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं वी आई के रिस्पेक्ट में। रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज आपने लिया वी एम साइन ओमेगा टी और करंट आपने लिखा आई एम साइन ओमेगा टी, कोई चेंज नहीं आया, दोनों सेम ओमेगा टी पर ही है। तो उस कंडीशन में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वी एम आई एम साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको लिख सकते हो आप वी एम इंटू आई एम वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। मल्टीप्लाई करके आप इसको अलग कर सकते हैं। अब यहां से आपको इसका एवरेज लेना पड़ेगा जो कि एडिशनल फॉर्म है, यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि टेकिंग नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट
इस फ्लक्चुएटिंग पार्ट को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा वी एम आई एम बाई टू, या फिर आप इसको लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू। अब फ्लक्चुएटिंग पार्ट को नेग्लेक्ट करने का तरीका क्या था, यहाँ से हम लोग देखे थे पिछली बार भी कि आप इसका एवरेज निकाल दीजिए। तो आपने लिखा वी एम आई एम बाई टू और एवरेज निकालेंगे तो जीरो से पाई वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई पाई माइनस जीरो, है ना, एरिया अंडर द कर्व अपॉन टाइम पीरियड। इस हिसाब से तो टाइम पीरियड है तो पाई को आप बाहर निकाल सकते हैं, यहां से हो जाएगा वी एम आई एम बाई टू इंटू पाई भी बाहर आ गया, यहां पे बचा आपके पास ओमेगा टी और यहां पर बचा साइन टू थीटा बाई टू फ्रॉम जीरो टू पाई। ठीक, ये लिमिट आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो इसमें आप पुट करेंगे, है ना, इनके अंदर जब लिमिट पुट करेंगे साइन में पाई पुट करिए जीरो, इन बोथ द कंडीशन इट विल बिकम जीरो। बच गया ये पाई माइनस जीरो, इसके अंदर आप पुट करिए तो ये बच जाएगा वी एम आई एम अपॉन टू पाई, अंदर बचा पाई माइनस जीरो, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा अगेन वी एम आई एम बाई टू, यानी यही वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन। अब इससे आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा पावर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो मतलब अगर एक प्योरली रेजिस्टिव लोड है तो उसके कंडीशन पर एक्टिव पावर का डिसिपेशन वहाँ पे 100% होगा, एक्टिव पावर का डिसिपेशन जो है वो 100% यहाँ पर रहेगा, एक्टिव पावर डिसिपेट करेगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। जय कुमार ने लिखा कि डेफिनेशन लिखाई ना सर प्लीज़, डेफिनेशन के लिए फुल लेंथ लेक्चर देखिए, डेफिनेशन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ आप उसको अपने वर्ड में बस लिख लीजिए। क्या क्या मैंने बताया, तीन चीज़। पहली चीज़ जो मैंने बताया, वोल्टेज और करंट के बीच में नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख के जैसे बता रहा हूँ ना, आप अपनी कॉपी में इसको फटाफट से शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने बताया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इज इक्वल टू वी बाई आई के फॉर्म में डायरेक्टली आप लिख सकते हो। और तीसरी चीज़ मैंने बताया कि पावर डिसिपेटेड इज गिवन एज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, मतलब एक्टिव पावर। आप जब ऐसा वाला नोट्स बनाते हैं ना तो अपने शब्दों में लिखा करिए उसको कि एक्टिव पावर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा नोट्स लिखता, एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। मेरे नोट्स नॉर्मली ऐसे दिखेंगे आपको, इसीलिए मेरे कोई भी नोट्स ऐसे नहीं होते हैं कि मैं उसको कॉपी करके किसी को दे सकूं, बच्चे को भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पढ़ाऊँ वो ज़्यादा बेटर है आप अपने वर्ड्स में, क्योंकि मैं ऐसा लिख देता हूँ। मैं ऐसे फुल लेंथ ऐसे नहीं लिखता हूँ कि इट विल कंज्यूम द एक्टिव पावर या इट विल डिसिपेट द एक्टिव पावर, ऐसा लिखता ही नहीं हूँ। मैं इसमें क्या कर दूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा करके। ठीक है, ऐसा आप लोग भी बनाइए, ये आपको जैसा भी अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा, जिससे समराइज कर सको आप पूरी चीज़ को। नेक्स्ट, दूसरा टाइप का जो हम लोगों ने देखा, दैट वॉज ए सी सर्किट कंटेनिंग प्योरली इंडक्टिव लोड। ठीक, अगर आप इंडक्टिव लोड की बात करें, इसका एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, तो आपने ये अज्यूम किया कि एक इंडक्टर हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है अक्रॉस अ सप्लाई वी एम साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, इंडक्टर एल हेनरी का है। ठीक, तो भाई अगर सप्लाई पोटेंशियल मैंने क्या रखा, वी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे इंडक्टर की बात करनी तो मुझे सबसे पहले तो ये पता है कि ई एम एफ इंड्यूस इज गिवन एज ई इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, इंडक्टर है, ई एम एफ इंड्यूस का इक्वेशन यहाँ पर आएगा। इसको मैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो इट विल बिकम ई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ वी, ई की जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ वी। ये मैग्नेटिक फॉर्म है, इसका इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनालॉगस बता रहा हूँ मैं आपको। एन की जगह पे क्या लिखूंगा, एल, डी फाइव बाई डी टी की जगह डी आई बाई डी टी, ये हो सकता है एक्सप्रेशन। माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मुझे करंट की वैल्यू चाहिए तो आई को यहाँ छोड़ के बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं, इट विल बी वी डी टी बाई एल इज इक्वल टू डी आई, डी आई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई, और वी का मतलब क्या हो गया, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन एल, और डी टी लगा हुआ है सामने मतलब इंटीग्रेशन इसका भी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आई बचा अपने पास, यहाँ वी एम बाई एल बाहर हो गया, अंदर बचा अपने पास ओमेगा, सॉरी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक, ये बचा, तो आई का एक्सप्रेशन आएगा मेरे पास वी एम माइनस में कॉस ओमेगा टी, तो ये माइनस साइन को हटाने के लिए मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा, इट विल बिकम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और नीचे मेरे पास आ गया ओमेगा एल। इसको जब मैं ओम्स लॉ से कंपेयर करूंगा, ओम्स लॉ से जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे आई इज इक्वल टू वी बाई एक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाई एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर है तो उसके कंडीशन में रिएक्टेंस दिखना चाहिए, तो एक्सएल की वैल्यू मुझे ओमेगा एल दिख रही है यहाँ से फिर इस हिसाब से। ठीक है, सो आई विल राइट देयर फोर एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल,
ओमेगा को आगे एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बिकम 2 पाई FL, ठीक है, यूनिट इसकी ओम्स में। तो आप अब लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी अपॉन XL, और मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस से मैक्सिमम करंट ही हो सकती है। तो I इज इक्वल्स टू आई एम साइन, और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू भी है, तो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आपको करंट मिलेगा इंडक्टर के कंडीशन में। देखिए Vm बाई XL को आई एम बना दिया मैंने, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो आप जब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडक्टर के कंडीशन में अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज शो करता हूँ तो करंट जो है वो लैग करती हुई दिखाई दे, करंट थ्रू इंडक्टर विल लैग फ्रॉम करंट फ्रॉम द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री पीछे चल रहा है, पाई बाई टू से हमको ये समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब इसका पावर का डेरिवेशन करेंगे आप, पावर का जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे तो आप लिखेंगे पावर इज इक्वल्स टू वी आई, वी का एक्सप्रेशन आपने शुरू में लिया वी एम साइन ओमेगा टी, और आई को आपने लिखा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक। तो इसको आप वापस से कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए तो माइनस कॉस थीटा बनेगा, माइनस ऑफ वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ टू, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ टू, टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी एम आई एम बाई टू इंटू टू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपके पास, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, देखिए आप नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट आप फिर से बोल सकते हो, टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अगेन साइन टू थीटा आप बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो, उससे बेटर है आप यहीं पे बोल सकते हो नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट। आपने देखा है कैसे नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट। तो अब आपके पास पावर का कंप्लीट एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, अगर आपने इस पोर्शन को जीरो बनाया तो ये पूरा का पूरा डेड हो जाएगा, ये पूरा ही जीरो, ठीक है। तो इस हिसाब से इस पूरे को आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये डन, एक्टिव पावर कंजम्पशन जीरो, इसमें भी आप तीन चीजें बता दोगे, क्या क्या तीन चीजें, कि इंडक्टर के केस में फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, करंट लैग करता है, ये मेन मुद्दे की बात है, लैग्स फ्रॉम वोल्टेज। अच्छा दूसरा चीज, एक्सएल की वैल्यू आपने निकाल लिया 2 पाई FL या ओमेगा एल के बराबर है, और तीसरा चीज जो आपको मिला, एक्टिव पावर डिसिपेशन इंडक्टर के केस में जीरो होता है। मेन जो समरी होती है वो यही है, ये पूरा इतना कुछ करने के बाद, ठीक है, इंडक्टर का केस। और तीसरा कंडीशन जो हम लोग लेंगे दैट विल बी फॉर कैपेसिटर, थर्ड केस इज फॉर कैपेसिटर। अगर हम लोग ये ले लेते हैं कि एक प्योरली कैपेसिटिव लोड जो है वो कनेक्टेड है थ्रू एसी सप्लाई, अक्रॉस द एसी सप्लाई, ठीक है, अगेन अपना एसी सप्लाई सेम अज्यूम कर रहे हैं, कैपेसिटेंस सी फेरेड्स का है, एसी सप्लाई वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी हम लोगों ने रखा, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग करंट देख रहे हैं कि कितना है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम सप्लाई पोटेंशियल इज वी एम साइन ओमेगा टी, करंट फाइंड करना है, करंट निकालने से पहले हमको पता है कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी का एक्सप्रेशन रहता है, और करंट आई जो होता है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बस इसी से रिलेट कर लेना है हमको। तो आई विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी वी, ठीक है, वी का एक्सप्रेशन क्या है वहां पर, वी एम साइन ओमेगा टी, सी तो कैपेसिटेंस से कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, सी वी एम को भी बाहर निकाल लो, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक। तो आई इज इक्वल्स टू सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या फिर इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू ओमेगा सी वी एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये ओमेगा सी वी एम, इसको ओम्स लॉ से कंपेरेबल बनाने के लिए मुझे इसको अपॉन में लाना पड़ेगा, तो इसको मैं लिखूंगा आई इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होल डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी। अब जब इसको मैं ओम्स लॉ से कंपेयर करूंगा तो आई विल गेट, तो बाई ओम्स लॉ, तो बाई ओम्स लॉ आई विल राइट आई इज इक्वल्स टू, नॉट आई, बाई ओम्स लॉ आई विल राइट एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अब इसको आगे एक्सपेंड कर लोगे तो इट कैन बी गिवन एज 1 अपॉन ओमेगा, मतलब 2 पाई FC इन ओम्स। अब इसको आप आगे पुट कर सकते हो, सो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू अपॉन XC। अब वी एम बाई XC क्या हो जाएगा, इट विल बी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो आप देखिए वोल्टेज आपने लिखा था वी एम साइन ओमेगा टी, करंट का एक्सप्रेशन है आपके पास आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसी से देख के समझ में आ जाता है दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो करंट लीड्स फ्रॉम द वोल्टेज आइडियली बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट, 90 डिग्री लीड जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये डन। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट, पावर का एक्सप्रेशन यहाँ पे भी आप डिराइव करेंगे, जरूरत नहीं डेरिवेशन करने की, डायरेक्टली आप बता सकते हैं पावर का एक्सप्रेशन
जीरो वॉट्स आएगा, यानी कि कोई भी एक्टिव पावर का कंजम्पशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक्टिव पावर डिसिपेशन मतलब ये सर्किट में नहीं हो रहा है। और इसका मतलब तीन कंक्लूजन निकल के आए यहाँ से। सबसे पहला, फाई की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है एंड करंट आई जो है वो लीड्स फ्रॉम वोल्टेज। दूसरी चीज कि एक्ससी की वैल्यू आपको जो मिली दैट इज वन अपॉन ओमेगा सी या वन अपॉन टू पाई एफ सी, ये सेकेंड थिंग। और थर्ड थिंग, एक्टिव पावर कंजम्पशन इज जीरो, यानी कि एक प्योरली कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड होगा, कोई एक्टिव पावर नहीं डिसिपेट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर फ्लो करवाएगा वहां पे। आगे चल के अब देखेंगे कि रिएक्टिव पावर फ्लो क्या होता है, कैसे एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो एनालिसिस का पोर्शन इसी के साथ होता है कंप्लीट। एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल पे। अब इंपीडेंस ट्रायंगल का पार्ट यहां पे जब देखेंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल जब देखेंगे तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इंपीडेंस ट्रायंगल बनाने का बिल्कुल सिंपल सा रूल है। इंपीडेंस ट्रायंगल का एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया कि आप रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द सर्किट, किसी सर्किट में अगर रेजिस्टिव पार्ट है, रिएक्टिव पार्ट है, रिएक्टेंस, अगर ये दोनों पोर्शन को आप एक्सप्रेस करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में, आप अगर एक्सप्रेशन बनाते हैं, बेस रेजिस्टिव पोर्शन को शो करे और परपेंडिकुलर सेक्शन उस सर्किट के रिएक्टेंस को अगर शो करे, परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि 90 डिग्री शिफ्टेड है। तो इंपीडेंस को अगर मैं फेजर फॉर्म में शो करने की कोशिश करूं तो मैं उसको पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करके शो कर सकता हूं, है ना। इंपीडेंस जो है उसका फेजर एक्सप्रेशन अगर आप दिखाओगे तो एक पैरेलल कंपोनेंट आपको मिलेगा और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या अगर जैसा आपने अभी अभी जस्ट देखा कि उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो। रेक्टेंगुलर फॉर्म में ए विल स्टैंड फॉर द कॉन्स्टेंट पार्ट एंड बी विल स्टैंड फॉर द फ्लक्चुएटिंग पार्ट। तो उसका कॉन्स्टेंट पार्ट जिसकी वजह से आपने देखा कि कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, दैट पार्ट इज रेजिस्टेंस, और जिसकी वजह से फेज डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज द रिएक्टेंस। आइडियल कंडीशन में रिएक्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट करवाएगा, तो इस वजह से ऐसा होता है। और इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है दैट इज नोन एज इंपीडेंस, दैट इज नोन एज इंपीडेंस जेड। तीनों की यूनिट ओम्स में होती है, चाहे आर हो, जेड हो या एक्स हो, ये सब ओम्स में एक्सप्रेस होते हैं। तो इनका रिलेशन क्या निकल के आता है, इसके डेरिवेशन में जाने की नीड नहीं, डायरेक्टली इसका रिलेशन देखते हैं। जेड इज इक्वल्स टू कितने फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर आप इसको रेक्टेंगुलर में एक्सप्रेस करोगे तो आर प्लस माइनस जे एक्स ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहो तो आप लिखोगे देन मॉड ऑफ जेड इज अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब एक्स में भी तीन कंडीशन हो सकती है। कंडीशन वन है या तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी होगा, तो उस कंडीशन में आपका जेड का एक्सप्रेशन हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट थिंग। दूसरा कंडीशन है कि एक्सएल स्मॉलर देन एक्ससी होगा, सेकेंड केस, ठीक है। तो ये भी कंडीशन ओके। इस कंडीशन में आपका जेड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, तीसरा कंडीशन सी जो है, एक्सएल बराबर एक्ससी का कंडीशन हो जाएगा। ये कंडीशन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि अगला टॉपिक इसी से बनता है, जेड बराबर आर, कोई एक्सएल एक्ससी नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। एक फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रहा है, दूसरा उसी फ्रीक्वेंसी के साथ घट भी रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। सर एक वन शॉट वीडियो बना दीजिए क्वेश्चन की प्लीज, सर इट विल हेल्प अ लॉट, ठीक है नीरज, डन। क्वेश्चन का भी एक सेशन हम लोग रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। बस ये टॉपिक का मैं खत्म करा देता हूँ जल्दी, फिर क्वेश्चन का जो है वो ठीक है। कब एग्जाम आपका एक बार बताइएगा, उससे पहले ही मैं ले आऊंगा ये, होपफुली मंडे ट्यूसडे के ट्यूसडे तक ले आएंगे इसको। अगर ज्यादा होगा ना तो क्वेश्चन का सीरीज एक ट्यूसडे वगैरह तक रखेंगे, और क्वेश्चन सीरीज अगर मैं कराऊंगा तो पूरा कराऊंगा कंप्लीट। अभी तक जितना चैप्टर मैंने पढ़ा दिया वो पूरे का एक साथ वन शॉट क्वेश्चन रहेगा, वो चाहे जितनी भी देर का वीडियो हो। डीसी से शुरुआत करेंगे और डीसी एसी सब मिला करके क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और जल्दी ये चीज करते हैं, मैं बस रिवीजन पार्ट आप लोगों को खत्म कराता हूँ, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन। जेड इक्वल्स टू आर का ये कंडीशन, दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस। इंपीडेंस ट्रायंगल के अंदर से हमको कुछ और चीजें मिलती है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा डेरिवेशन पे नहीं लेके जा रहा हूँ, अब मेन फटाफट से सारी चीजें आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको सबसे पहले मिलता है कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, इसी का कोसाइन आप निकाल देंगे आपको आर बाई जेड के फॉर्म में, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और कुछ नहीं। तो कॉस फाई के हिसाब से अगर आप देखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में आप ये वैल्यू बता सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया ये पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इससे निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप फेजर फॉर्म को मैग्नीट्यूड में कन्वर्जन करके भी बता सकते हैं। सिमिलरली साइन फाई अगर मैं इससे निकालूं तो दिस इज गिवन एज एक्स अपॉन जेड, एक्स में कुछ भी हो सकता है, एक्सएल भी हो सकता है, एक्ससी भी हो सकता है, दोनों का रिजल्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो एक्सप्रेशन और निकलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल से। फिर इसके बाद हम लोग मूव करते हैं रेजोनेंस पर। अब एक बड़ा टॉपिक यहां से शुरू होता है रेजोनेंस का।
रेजोनेंस पढ़ने के समय हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस दो फॉर्म में होता है किसी सर्किट में. सबसे पहला होता है सीरीज रेजोनेंस, सीरीज सर्किट का रेजोनेंस. सीरीज रेजोनेंट सर्किट या आरएलसी एट रेजोनेंस का कंडीशन विद सीरीज, और दूसरा होता है पैरेलल का. तो शुरुआत करते हैं विद द सीरीज रेजोनेंट सर्किट. सीरीज रेजोनेंस में आपको क्या क्या पता रहना चाहिए. तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ के फॉर्म में स्टडी करना शुरू किया सीरीज रेजोनेंस को, और हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस की स्टेट तब होती है व्हेन एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्ससी. ये सिनारियो होती है, दिस इज द केस फॉर रेजोनेंस. बट मुद्दा इसके आगे और जाता है, इस कंडीशन पे क्या क्या होने लग जाता है सर्किट में वो समझते हैं. तो सबसे पहले अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो विथ रिस्पेक्ट टू मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस आर एक्सएल एंड एक्सी का एक ग्राफ अगर आप ट्रेस कर दो इन ओम्स, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में, और रेजिस्टिव पार्ट कहीं पे भी आप इसको ड्रॉ कर दो. ठीक है, तो लेट अस सपोज दिस इज आर, दिस इज एक्सएल, दिस वन इज एक्ससी. एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. आर को कोई मतलब ही नहीं फ्रीक्वेंसी से. ठीक, तो ये दोनों जहां पर इक्वल होते हैं, ये दोनों मैग्नीट्यूड जिस पॉइंट पर इक्वल होती है यही फ्रीक्वेंसी का पॉइंट जो कहलाता है दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इसको आप एफ नॉट के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब इस फ्रीक्वेंसी से पहले कुछ और सिनारियो हो सकता है, बाद में कुछ और सिनारियो हो सकता है, इन दोनों को भी समझना होगा हमको. और यहां पर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्म है, अच्छा 10 मार्च से स्टार्ट है ना पेपर. ठीक है, बढ़िया. लक्ष्मण हेलो डियर, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, सब कुछ बताइएगा. बहुत दिन के बाद आप दिख रहे हो इस चैनल पर. चलिए ठीक है, तो दिस इज अबाउट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर आपका एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया. आर से कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पे भी रहे चल जाएगा. अब इसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिखा एट रेजोनेंस, क्या क्या दिख रहा है भाई. जब भी रेजोनेंस होगा सबसे पहले कंडीशन देखते हैं एट रेजोनेंस. रेजोनेंस का समय, रेजोनेंस का कंडीशन क्या क्या रहेगा. सबसे पहले बात करें फ्रीक्वेंसी की, किस फ्रीक्वेंसी पे होगा. तो भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आपने देखा कि एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2π√LC. कैलकुलेट करते हैं हम लोग डिराइव करके, एक्सएल बराबर एक्ससी, इसको ओमेगा, इसको 1/ωc. ओमेगा ओमेगा को एक तरफ कर दीजिए आप, 1/LC आ जाएगा. ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा से स्क्वायर आएगा 1/√LC हो जाएगा, और ओमेगा को 2πf लिख दीजिए, एफ इज इक्वल टू 1/2π√LC, ऐसा आ जाएगा ये. ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन. दूसरी जगह आप अगर इसको सिर्फ ओमेगा के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज गिवन एज 1/√LC. एग्जाम में क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि क्या डेटा दिया हुआ है, उस हिसाब से वो फॉर्मूला लगाइएगा. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्स में पूछा तो ये फॉर्मूला, दिस इज इन हर्ट्स, और ये अगर रेडियंस पर सेकेंड वाले फॉर्म में पूछा तो आप ये फॉर्मूला लगा के बताइएगा. ठीक है, ओमेगा नॉट का ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब रेजोनेंस के समय और क्या क्या हो रहा है सर्किट के भीतर. तो रेजोनेंस के समय जेड बराबर आर हो रहा है, सर्किट जो है वो रेजिस्टिव हो जाती है, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बिहेव कर रहा है. एक्सएल एक्सएल का कोई किस्सा ही नहीं बचा, एक्सएल एक्सी दोनों खत्म. अब सर्किट रेजिस्टिव है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फेज डिफरेंस एंगल जीरो. फाई जीरो हुआ तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी है ना, पावर फैक्टर बराबर यूनिटी. ये सब कंडीशन आप लोग देखते हैं इसके अंदर. फिर और क्या क्या हो रहा है, अब जेड इक्वल टू आर, जेड अपना क्या हो गया, मिनिमम हो गया. जेड मिनिमम है तो करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई इस कंडीशन में. तो रेजोनेंस के समय करंट अपनी पीक वैल्यू पे चली जाती है, ये हमको इसके अंदर देख के समझ में आता है. और ऐसी छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने फुल लेंथ में लिखा हुआ है. फिर दूसरा कंडीशन ये है कि बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है. अगर मान लूं मैं एफ वन बोलता हूँ विच इज लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ मैं एफ टू लिख देता हूँ विच इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैंने ले लिया, दो पॉइंट. ठीक है, तो इनमें क्या क्या बिहेवियर हो रहा है सर्किट का. तो लेट अस सपोज कि दूसरा केस लेते हैं यहाँ पर, एट एफ वन लेस देन एफ नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है. इसका भी आप लोगों ने लिखा हुआ था पूरा हाल चाल की क्या हो रहा था यहाँ पे. इस कंडीशन में आप देखिए तो आपके सर्किट पे एक्सी जो है इट इज ग्रेटर देन एक्सएल, आपका एक्सएल तो बहुत छोटा है इसमें, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, यानी सर्किट आपका कैपेसिटिव बिहेवियर कर रहा है. कैपेसिटिव बिहेवियर कर रहा है तो फाई की वैल्यू आइडियली तो 90 डिग्री पे चली जाएगी, बट स्टिल आप बोल सकते हो कि करंट लीड करने लगेगी फ्रॉम वोल्टेज, करंट जो है वोल्टेज से आगे चलने लग जाएगी, आइडियली 90 डिग्री बट प्रैक्टिकली 90 से कम. फिर इस कंडीशन में पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, सर्किट में एक्टिव पावर फ्लो रिड्यूस हो जाएगी, है ना, एक्टिव पावर फ्लो जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, सर्किट में रिएक्टिव पावर फ्लो जो है वो बढ़ेगा, है ना, रिएक्टिव पावर फ्लो जो है ये इंक्रीज होगा. फिर
जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड अपना मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ेगा, जेड मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होने लग जाएगी, मिनिमम होने लग जाएगी। ऐसे बहुत सारे सिनारियो आप इससे ड्रॉ कर सकते हो, सेम ऐसे ही सिनारियोज बट एक दो चीज़ें चेंज होके आपको दूसरे तीसरे केस में मिलेगा। मतलब थर्ड कंडीशन अगर मैं लिख दूँ कि एट फ्रीक्वेंसी एफ टू ग्रेटर देन एफ नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी पर जब जाओगे इसमें क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्ससी स्मॉलर देन एक्सएल हो जाएगा, या उल्टा बोलो तो एक्सएल जो है इट विल बी ग्रेटर देन एक्ससी। तो सर्किट इंडक्टिव बिहेवियर शो करेगा, है ना, इंडक्टिव बिहेवियर शो करेगा। इंडक्टिव बिहेवियर मतलब करंट लैग करेगी फ्रॉम वोल्टेज, करंट विल लैग फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज। अब करंट लैग कर रही है पोटेंशियल से, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू मैक्सिमम, जेड की वैल्यू मैक्सिमम, उसके साथ साथ करंट जो है वो हो जाएगी मिनिमम। अच्छा, इसके अलावा पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का, फाई में चेंज, फिर तीसरा चीज एक्टिव पावर फ्लो लेस, एक्टिव पावर फ्लो लेस हो जाएगा, रिएक्टिव पावर फ्लो हाई हो जाएगा, है ना, रिएक्टिव पावर फ्लो जो है वो हाई हो जाएगा। ये पीएफ मतलब पावर फैक्टर नहीं है, पावर फ्लो की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियों इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, ये सब शॉर्ट शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, फुल लेंथ लेक्चर देख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डाउट होगा इसके अंदर ना, फुल लेंथ आप देख सकते हैं। तो उसमें पूरा डिटेल में मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन किया, ऐसा क्यों होगा कैसे होगा करके, ठीक है। बट इसमें आप एक सिनारियों को अभी समझ सकते हैं। फिर इसके बाद रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर हम लोग पहुँच गए, फिर एक दो ग्राफ हम लोगों ने और देखा, और फाइनल कंक्लूजन आपको बताता हूँ कि क्या क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला इसके अंदर। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर इसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में अगर करंट का ग्राफ बनाया जाए, जो कि मेन रेजोनेंट कर्व कहलाता है सीरीज के लिए, करंट का ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है आपको देखने में, ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पे अगर मैं करंट लिखूँ, तो रेजोनेंस के समय जो करंट होती है सर्किट की, ओमेगा नॉट पर जो करंट होती है, दैट विल बी पीक। ये पीक वैल्यू कितनी दूर तक जाएगी ये कंट्रोल होता है रेजिस्टेंस के आधार पर, ठीक है। तो अगर आप सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये पीक मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, रेजिस्टेंस दो गुना हुआ, पीक मैग्नीट्यूड कम, रेजिस्टेंस और बढ़ा दोगे ये और रिड्यूस हो जाएगा। तो ये अगर आर पे है तो ये 2R पे होगा, ये 4R पे होगा, ठीक है, तो ऐसा रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ये जो साइड की फ्रीक्वेंसीज थी इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा एल और ओमेगा एच। दो तीन चीज़ें और देखें हम लोग, और यहाँ से फंडामेंटल निकल के आया बैंडविड्थ का, यहाँ से फंडामेंटल बैंडविड्थ का निकल के आया कि भाई बैंडविड्थ क्या होता है। तो बैंडविड्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बैंडविड्थ को डेल ओमेगा के फॉर्म में शो करते हैं, विच इज गिवन एज आर बाई एल। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी का वो रेंज होता है, बैंडविड्थ को डेल ओमेगा या डेल एफ दोनों फॉर्म में शो करते हैं, डेल ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ये भी बोल सकते हो आप, या ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल भी बोल सकते हो, या डेल एफ के फॉर्म में भी आप शो करते हो बैंडविड्थ को, विच इज गिवन एज वन अपॉन आर अपॉन टू पाई एल। हर्ट्ज, हर्ट्ज नहीं, सॉरी, नॉट इन हर्ट्ज, दिस इज इन रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा है ना, तो ये रेडियंस पर सेकेंड होगा। यूनिट का ध्यान रखिएगा हमेशा, यूनिट में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बैंडविड्थ हर्ट्ज में पूछा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, है ना, और अगर ओमेगा के फॉर्म में पूछा, डेल ओमेगा के फॉर्म में, तो ऐसा होगा। डेल एफ जब मैंने लिखा तो मतलब मैंने लिखा एफ टू माइनस एफ वन लिख रहा हूँ मैं, है ना, यह अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उस हिसाब से। तो बैंडविड्थ बताता क्या है एक्चुअल में, बैंडविड्थ आपको ये बताता है कि आपकी जो ग्राफ बनी हुई है करंट की, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना वेरी कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से उसकी मैग्नीट्यूड में आरएमएस टू आरएमएस कितना वेरिएशन आ रहा है। मतलब ये देखिए, हमको पता है रेजोनेंस के समय तो आपकी ग्राफ जो है वो पीक पर रहती है, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, लेकिन बिफोर रेजोनेंस और आफ्टर रेजोनेंस आपका सर्किट कब तक ट्यून होता रहेगा, सर्किट के ट्यून होने की कंडीशन क्या है। तो हमको ये समझ में आता है कि सर्किट अपनी आरएमएस वैल्यू से दोबारा जब तक आरएमएस पे ना पहुंच जाए तब तक ट्यून हो सकता है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमको दो फ्रीक्वेंसी की रेंज मिलती है, ओमेगा एल मिलती है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एच मिलती है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इन्हीं दो फ्रीक्वेंसी के रेंज पे आपकी क्वांटिटी आरएमएस टू आरएमएस वेरी करेगी, इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट नहीं ट्यून हो सकता है, तो ये कंडीशन है। तो आरएमएस वैल्यू से दोबारा आरएमएस वैल्यू तक पहुंचने तक का जो रेंज होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ, और इसी को लिखते हैं हम लोग आर बाई एल के फॉर्म में। तो इसका हाफ पोर्शन आप कर दो, एक हाफ बन जाएगा आर बाई टू एल, दूसरा हाफ भी बन जाएगा आर बाई टू एल। तो इसी के हिसाब से अगर आपको ओमेगा एल लिखना होगा, ओमेगा एल की वैल्यू, तो आप कैसे लिखोगे, इट विल बी ओमेगा नॉट माइनस आर बाई टू एल, और आपको वैसे ओमेगा एच एक्सप्रेस करना होगा तो इट विल बी ओमेगा नॉट प्लस आर बाई टू एल। तो कभी कभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, हाफ पावर
इस कंडीशन में पावर सर्किट की जो है वो रेजोनेंट कंडीशन की तुलना में हाफ हो जाती है। इसका डेरिवेशन का छोटा सा फॉर्म हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोल, 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, बट वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सिग्नल्स के पार्ट में आप जाओगे तब उसको समझोगे कि क्यों 3 dB बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको लोअर कट ऑफ एंड हायर कट ऑफ या अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है जिसमें आपका बैंडविड्थ डिफाइन होता है सर्किट के लिए। फिर हमको समझ में आया कि बैंडविड्थ जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे बैंडविड्थ इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के बढ़ाने से करंट की पीक घटेगी, और करंट की पीक के घटने से बैंड का विड्थ जो है अपने आप इंक्रीज होगा। तो ग्राफ जितनी ज्यादा पीक अटेंड करेगी उतना बैंडविड्थ नैरो होगा, और नैरो बैंडविड्थ बहुत अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि हमारी सर्किट जो है इट इज अ सेलेक्टिव सर्किट, हम लोग की सर्किट जो है इट इज अ हाईली सेलेक्टिव सर्किट, जो डिजायर्ड है, जो इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक और सिनारियो बनता है कि हमारी सर्किट को हम लोग बोलते हैं इट इज अ सेलेक्टर सर्किट, सेलेक्टर या एक्सेप्टर सर्किट इसको हम लोग बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट ऐसा भी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज इधर नोन एज अ सेलेक्टर सर्किट और अ एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आने वाली पूरी क्वांटिटीज के लिए ये ट्यून हो सकता है। तो इसका मतलब इस रेंज ऑफ बैंड को, इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये फिनोमिना यहां से निकल के आया। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अबाउट क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। बस सिंगल फेज के एंड पे पहुंच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी बांधे रखिए एकदम मस्त तरीके से, घबराना नहीं है, पानी वानी पीते रहिए बीच बीच में, और इसको मस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। लक्ष्मण, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कहाँ से कंटेंट नहीं मिल सकता है? KVS के लिए मिल तो सकता है, चैनल पर भी होगा एनालॉग का, कुछ कुछ प्लेलिस्ट वगैरह भी बना होगा, एक बार देखिएगा ना, ठीक है। चलिए, RYPV से हूँ तो उसमें BEE 3 मार्च को है, ओके नीरज, 3 मार्च को BEE है ना, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन तो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। कुछ एडिशनल चीज़ें अगर छूटती है तो मुझे बताइएगा। क्यू फैक्टर देखते हैं अब, क्यू फैक्टर जो है इसका एक्सप्रेशन कैसे बनता है देखिए। क्वालिटी फैक्टर को हम किस फॉर्म में बताते हैं, मैं बताता हूँ। क्वालिटी फैक्टर इज गिवन एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविथ, ठीक है। इट इज गिवन एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एंड बैंडविथ, ठीक है। सो इट इज गिवन एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। उत्कर्ष, अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं किसी का मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। मैं बस जितने समय सिस्टम की तरफ मूव कर रहा हूँ बस उतनी देर में सामने जो मैसेज दिख रहा है मैं बस वही देख पा रहा हूँ। अरे बाप रे सौरभ, अरे मस्त से पढ़ो, कितने अच्छे कॉलेज से हो यार आप, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, इस फॉर्म में क्वालिटी फैक्टर हम एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा तरीका क्या है क्यू फैक्टर बताने का, कि एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। एनर्जी स्टोर्ड कौन कर सकता है? जो आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर। डिसिपेट कौन कराएगा? एक ही है, रेजिस्टर। तो क्यू फैक्टर को इन दोनों फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हो। इसके हिसाब से जब क्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन आप बनाते हैं तो आपको इसका एक्सप्रेशन मिलता है क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/R√L/C, ये एक्सप्रेशन इसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आता है कि क्यू फैक्टर जो है वो बैंडविड्थ के इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलता है। अगर आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे बैंडविड्थ बढ़ेगा, बैंडविड्थ बढ़ा तो क्यू फैक्टर घट जाएगा। तो बैंडविड्थ जितना हाई होगा क्वालिटी फैक्टर उतना रिड्यूस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्वालिटी फैक्टर हाई किस ग्राफ का होगा? जिसकी शार्पनेस सबसे ज्यादा हाई होगी। जो ग्राफ जितना ज्यादा शार्प है उसकी बैंडविड्थ उतनी लो है, और बैंडविड्थ कम है तो उसका क्यू फैक्टर उतना ज्यादा हाई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उतना ज्यादा इसका हाई है। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग क्यू फैक्टर तक, क्वालिटी फैक्टर इसका पता चल गया। क्वालिटी फैक्टर के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसकी सेलेक्टिविटी। क्वालिटी फैक्टर के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टिविटी। अब सेलेक्टिविटी क्या होता है? सेलेक्टिविटी एक ऐसा पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि आपकी सर्किट जो है, जो रेजोनेंट सर्किट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो सिग्नल्स को सेलेक्ट करने की कितनी क्षमता रखता है, वो कितने बेटर वे में सिग्नल्स को, क्वांटिटीज को सेलेक्ट कर पाएगा, फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज को बताने के लिए हम लोग सेलेक्टिविटी रखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सेलेक्टिविटी? देखिए सेलेक्टिविटी आपको बताता है, सेलेक्टिविटी और सेलेक्टिवनेस दोनों उल्टी चीजें, अपोजिट है एक दूसरे से। तो सेलेक्टिविटी इज द, सेलेक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्यू फैक्टर। ये कुछ कुछ ऐसे आइडेंटिटीज हैं जो सीरीज और पैरेलल दोनों में लागू होते हैं, बस फॉर्मूला बदल जाता है वहां जाके, बट
जो पैरामीटर है वो तो ऐसे ही चलता है। तो सेलेक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्यू फैक्टर, और जो जितना ज़्यादा सेलेक्टिव है उसकी सेलेक्टिवनेस पुअर है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए, तुरंत समझ आएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये ग्राफ में अगर बनाऊं, ये ग्राफ बनाऊं, तो आप बोलोगे इसकी क्यू फैक्टर हाई है सर, क्योंकि बैंडविड्थ पतला है, बैंडविड्थ छोटा है, क्वालिटी ज़्यादा है, तो सेलेक्टिविटी इसकी छोटी आएगी। कम सेलेक्टिव है मतलब थोड़ी सी सिग्नल्स को रखेगा सेलेक्ट करने के लिए, तो ये तो सच बात है ना, और ये अच्छा भी है। ये थोड़ी सी सिग्नल्स के बीच में ही आपका एक्चुअल क्वांटिटी को सेलेक्ट करेगा, ये देखिए इतना ही रेंज को ये सेलेक्ट कर पाएगा, उससे ज़्यादा को नहीं, बाकी को रिजेक्ट कर देगा ये। ठीक, अब इसी के बगल में दूसरी ग्राफ बना के मैं दिखाता हूँ, सेकेंड ग्राफ देखिएगा। अब एक और क्वांटिटी का ग्राफ है यहाँ पर, इसकी ग्राफ मान लीजिए ऐसे बनी हुई है कुछ ऐसे। इसमें क्या दिखेगा आपको, इसमें आप बोलेंगे सर इसका डेल ओमेगा इज हाई, आप बोलेंगे इसका डेल ओमेगा जो है ज़्यादा है। डेल ओमेगा ज़्यादा होने का मतलब इसका क्वालिटी फैक्टर कम है, और क्वालिटी फैक्टर कम होने का मतलब हो गया सेलेक्टिविटी इज हाई। तो डेल ओमेगा और सेलेक्टिविटी एक जैसा चलते हैं, क्वालिटी उल्टा चलता है, ऐसा समझिएगा। हाईली सेलेक्टिव सर्किट मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज को सेलेक्ट कर लेगा अपने अंदर, ये खूब सारी क्वांटिटी की रेंज को सेलेक्ट करे, इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर सेलेक्टेड होंगी। तो अगर मुझे ये देखना है कि रेजोनेंस के समय जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट मुझे मिल रहा है, इसके आसपास दूसरी करंट की वैल्यू के लिए ना ट्यून हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है मेरा, इस पर ये करंट की वैल्यू मान लो 10 एम्पियर दे रहा है, तो उस कंडीशन में इससे जस्ट पहले या जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी पे भी ये 9.99 एम्पियर तक की करंट तो मुझे दे ही रहा है ना, मतलब 10 के आसपास की करंट मुझे दे रहा है, जिसके हिसाब से हमारा सर्किट में वो आवाज़ भी सुनाई देने लग जाएगी जो नहीं सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा सर्किट हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पुअरली सेलेक्टिव सर्किट, पुअरली सेलेक्टिव। ठीक है, तो ये कंडीशन है सेलेक्टिविटी का। तो सेलेक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ क्यू फैक्टर, तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला का रिवर्स कर दीजिए, सेलेक्टिविटी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट, अब पहुंच गए हम लोग पैरेलल रेजोनेंट सर्किट पे। अब बस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, इसमें हमको समझ में आया कि अगर आरएलसी पैरेलल, देखिए आरएलसी का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर के अगर हम सर्किट बनाते हैं और इसको ट्यून करने की कोशिश करते हैं, इसमें एक्सएल और एक्सी को बराबर लेके आते हैं एक दूसरे से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सर्किट जो है वो रेजोनेट करना शुरू करेगा। ठीक है, यस चंद्रशेखर, वेरी गुड इवनिंग माय डियर। अरे बाप रे, उत्कर्ष ने लिखा कि जाए हम बात नहीं करेंगे। अरे यार उत्कर्ष, ऐसा मत करो, ठीक है बात तो करना पड़ेगा। 1.5 आवर्स बीत गया पता ही नहीं चला, सगुन ने लिखा। अरे बस ये चैप्टर के एंड पे पहुंच गए, मुझे लगता है हम लोग अपने ईटीए से पहले कंप्लीट कर लेंगे, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल से पहले खत्म कर लेंगे हम लोग, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। नीरज, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दीजिए सर, लाइव में डाउट क्लियर कर लेंगे एग्जाम तक। ठीक है नीरज, प्लान करते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि टाइम कम है और मैं थोड़ा सा ट्रांसफार्मर और मशीन को ज़्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ, बट ठीक है कुछ पैरेलली कुछ अरेंज करते हैं, कुछ करते हैं अरेंज। ठीक है, पक्के से कुछ सोचता हूँ इसके लिए मैं। तब तक आप ना मीन वाइल दूसरे लेक्चर सब फॉलो करते रहिए, जितने जो लेक्चर अवेलेबल है ना उनको एक बार तब तक फॉलो कर लीजिए ताकि आपका नुकसान ना हो एटलीस्ट। ठीक है, तो आर एक्सएल एक्सी आर एल सी पूरा हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट यानी कि सारी चीज़ें अब एडमिटेंस के फॉर्म में बात होगी। अब एडमिटेंस वाई इज इक्वल्स टू, एडमिटेंस वाई इज इक्वल्स टू जी प्लस माइनस जे बी के फॉर्म में हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर सिनारियो 1/के फॉर्म में जाएगा, जिसकी वजह से अब अगर आप एक्सएल का ग्राफ बनाने जाओगे तो ये 1/ωL दिखने लग जाएगा, और एक्सी जो आप देखोगे ये आपको ओमेगा सी के रिस्पेक्ट में दिखने लग जाएगा, सारी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। तो जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए जब आप ग्राफ बनाओगे तो इस बार आपको एक्सेल जैसी ग्राफ, जैसा सीरीज में एक्सेल का ग्राफ मिलता था वैसा एक्सी का ग्राफ मिलेगा, और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था वो आपको किसके लिए मिलने लग जाएगा, वो आपको एक्सेल के लिए दिखने लग जाएगा। ये केस है, सब रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही एक्सेल बराबर एक्सी का केस, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि सर्किट रेजोनेट करने लग जाएगा, है ना, बट सिनारियो थोड़ा सा उल्टा है, ये इस बार इनवर्स प्रोपोर्शन विद फ्रीक्वेंसी रहेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रहेगा, ऐसा। तो इसलिए सारी आइडेंटिटीज बदल जाएगी, यानी कि बिफोर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आफ्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो वहां लिखे थे सीरीज में वो सब पलट जाएगा, यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकली उसको जरूर से आप लोग चेंज कर लीजिएगा, दिस इज ओमेगा नॉट, इस तरफ आप ओमेगा एल, इस तरफ आप ओमेगा एच को लिख सकते हो। इस बार ओमेगा एल पे एक्सएल जो होगा वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एक्सी, तो सर्किट में करंट लैग करने लग जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द सीरीज सर्किट। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या सिनारी होगा देखिए, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। एट रेजोनेंस, सबसे पहले देखेंगे एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के समय क्या होगा सर्किट में। ठीक है,
देखिए सर्किट में रेजोनेंस के समय क्या क्या होने लग जाएगा, एकदम फटाफट से देखते हैं। ठीक है, अब सर्किट में रेजोनेंस के समय क्या होगा? रेजोनेंस के समय दो तीन चीजें होंगी यहां पे। सबसे पहले तो आपका जेड जो है बराबर टू आर होगा, लेकिन जेड मैक्सिमम हो जाएगा, इंपीडेंस विल बी मैक्सिमम। इंपीडेंस के मैक्सिमम होते ही करंट जो है वो मिनिमम हो जाएगी। अब करंट मिनिमम हो गई, ठीक है, जेड आर के बराबर है तो पावर फैक्टर तो इस बार भी यूनिटी होगा। ठीक, पावर फैक्टर यूनिटी होने के साथ साथ फाई की वैल्यू फिर 0 डिग्री होगी। वोल्टेज करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टिव बिहेवियर चल रहा है। और इसके अलावा क्या क्या हो जाएगा, तो एक्टिव पावर का कंजम्पशन जैसा आप बोलते हो पिछली बार, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखने लग जाएंगी। बिफोर रेजोनेंस है ना, दूसरा कंडीशन आप लिखोगे एट ओमेगा एल। ओमेगा एल पे क्या क्या होगा, तो आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्ससी। तो एक्सएल से जुड़ा हुआ जितना कंडीशन है आप पूरा इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है एट ओमेगा एच अबव द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। इस कंडीशन में क्या होगा, एक्ससी विल बी ग्रेटर देन, एक्ससी विल बी ग्रेटर देन एक्सएल। तो इससे जुड़ी हुई सिनारियो जैसे करंट का लीड करना, पावर फैक्टर जो है लीडिंग नेचर का आ जाना, ये सब सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं आराम से, ईजी है ये सारी चीज़ें। तो ये पोर्शन है। नीरज वो लाइट ज़्यादा हो गई यहाँ पे, लाइट ज़्यादा हो गई है, अभी भी वैसी हूँ मैं। ठीक है, बढ़िया यार, गुड ऑब्जर्वेशन। चलिए, सो एट रेजोनेंस ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब रेजोनेंस के बाद, रेजोनेंस के बाद और क्या क्या होने लग गया भाई यहाँ पे। अब नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग पहुँचते हैं बैंडविड्थ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट बैंडविड्थ। बैंडविड्थ पे जाएं उससे पहले एक दो चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं इसके बारे में। अगर इसका करंट और इम्पिडेंस का आप कर्व ट्रेस करते हो, अगर आप इसी का, चलो दोनों कर्व को इसी के अंदर मैं ट्रेस करके दिखा देता हूँ एक ही लाइन में। इस कंडीशन में अगर आप रेजोनेंट कर्व बनाने की कोशिश करें, अगर आप इम्पिडेंस का कर्व बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। दिस इज इम्पिडेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। और इसी का आप करंट के फॉर्म में अगर ट्रेस करेंगे तो देखिए कैसा ग्राफ बनेगा। करंट के फॉर्म में यही कर्व ऐसी बन जाएगी। तो आपको ये दिखेगा कि करंट की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी मिनिमम। ये अपनी मिनिमम पे पहुंच गया, ओमेगा नॉट। ये देखिए यहाँ पर ओमेगा नॉट। इम्पिडेंस अब इस बार पीक पे चला गया है, जेड मैक्स। ये तो जेड आई मिनिमम पे चला गया ना, दिस इज द कंडीशन फॉर करंट आई इन एम्पियर। ये जेड है इन ओम्स, ऐसा सिनारियो है। तो हमको दिख रहा है कि करंट इस वैल्यू तक तो आरएमएस पे पहुंचेगी नहीं, और सर्किट ट्यून होता है आरएमएस के बाद। तो मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर मैं इसको ओमेगा एल बोल देता हूं, और ये इसका दूसरा आरएमएस का फॉर्म है ओमेगा एच, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को तो ये सर्किट एक्सेप्ट ही नहीं होने देगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले ओमेगा एल और उसके बाद ओमेगा एच के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज लाई करेंगी उनके लिए आपका सर्किट रिस्पॉन्ड ही नहीं करने वाला। तो इसी वजह से हम लोग इस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, कि ये एक फिक्स्ड बैंडविड्थ को रिजेक्ट करने की क्षमता रखता है, एक फिक्स्ड बैंड रेंज को रिजेक्ट करेगा। जैसे सीरीज वाला एक्सेप्ट कर सकता था, ये रिजेक्ट कर सकता है, ये रिजेक्ट करेगा, कर सकता है क्या, करेगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रिजेक्टर सर्किट। अब यहाँ बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन कैसा बनता है, बैंडविड्थ के लिए बहुत छोटा सा एक रूल याद करिएगा। बैंडविड्थ जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाउ, किसी भी चीज के लिए, चाहे सीरीज का आप एक्सप्रेशन बनाइए या पैरेलल का एक्सप्रेशन बनाइए, इन बोथ द कंडीशन। आसान तरीके से अगर आपको लिखना है ना, सीधे आप लिख सकते हैं बैंडविड्थ इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाउ। व्हाट इज टाउ, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, इट इज द टाइम कांस्टेंट। ये सबसे आसान तरीका याद रखने का। तो बैंडविड्थ को आप रेसिप्रोकल ऑफ टाउ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सीरीज में बैंडविड्थ वॉज द फंक्शन ऑफ आर एंड एल, सीरीज सर्किट में बैंडविड्थ जो होता है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का फंक्शन होता है, वैसे ही पैरेलल सर्किट जो होता है, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट योर बैंडविड्थ इज द फंक्शन ऑफ आर एंड सी। अगर आर और सी का फंक्शन इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू होती है आर सी। ठीक, और इसको बैंडविड्थ में लेके जाएंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट, नॉट प्रोपोर्शनल टू, इट इज द रेसिप्रोकल। मैं बोल रहा था रेसिप्रोकल और लिखा मैंने प्रोपोर्शनल, तो सुधार लीजिएगा आप लोग कॉपी में, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब हम लोग बैंडविड्थ को क्या लिखेंगे, बैंडविड्थ इज 1/टाउ, दैट इज इक्वल टू 1/RC। यस, पैरल का बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन आपके सामने, पैरल का केस बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन डायरेक्टली।
ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। सीरीज में भी यही टाइम कांस्टेंट एल बाई आर, इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में आप लिखिए, आर बाई एल के फॉर्म में लिख दिए। अच्छा, बैंडविड्थ के बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनता है उसका भी आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग, क्यू फैक्टर इज ऑलवेज, क्यू फैक्टर जो होता है क्यू फैक्टर ऑफ पैरेलल इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। क्या इसके एक्सप्रेशन में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं। एक्सप्रेशन मतलब इसका जो रिलेशन जो है वो तो चेंज हो गया, लेकिन जो इसका हम लोग फॉर्मेट बताते हैं या जो इसका स्टेटमेंट बताते हैं वो अभी भी सेम है। क्यू फैक्टर अभी भी आपको बताएगा एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाई एनर्जी डिसिपेटेड, डिवाइडेड बाई एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। ठीक है, इसी फॉर्म में बताएगा। जब आप इसको डिराइव करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको इस फॉर्म में दिखेगा, मतलब क्यू फैक्टर ऑफ पैरेलल सर्किट इज गिवन एज आर अंडर रूट सी बाई एल, विच इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज। वहां वन अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी के फॉर्म में लिखते थे। तो ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका है इसको बताने का, टी जी टी डब्ल्यू ई वाला। अच्छा, ठीक 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 लक्ष्मण, समझ गया मैं। ठीक है विवेक, अरे गजब यार, 95+, मजेदार मजेदार। नीरज क्यों डांटना, डांटने से पढ़ाई का मजा खत्म हो जाता है, और पढ़ाई में मजा नहीं आएगा तो क्या मतलब है पढ़ने का, पढ़ाई में तो मजा आना चाहिए, सब इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोई बच्चा डर के पढ़ रहा है, क्या पढ़ लेगा वो, अगर पढ़ने वाला है तो, अगर पढ़ने वाला है तो वो कभी भी नहीं दो। आप लोग के साथ बात करने में मुझे खुद अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे ही नींद आ जाएगी बताते बताते पता चला। ठीक है, तो चलिए क्यू फैक्टर तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्यू फैक्टर। सेलेक्टिविटी को रेसिप्रोकल ऑफ क्यू फैक्टर आप बोल सकते हो, इस क्यू फैक्टर का रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज मिल जाएगा, यहाँ पे नथिंग बट क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज, यानी कि इसका भी एक्सप्रेशन वही आएगा जो सीरीज के क्यू फैक्टर का होता है, मतलब वन अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। ये एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग इन चीजों को बताते हैं। तो पैरेलल आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस जो होता है, इसकी दो बड़ी टेंडेंसीज आप बोल सकते हैं। सबसे पहला कि इट इज अ रिजेक्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट, और दूसरा क्योंकि एलसी टैंक सर्किट का फॉर्मेशन यहां पर होता है, ये देखिए यहां पर सी है और यहां पर एल है, इन दोनों के पैरेलल कनेक्शन की वजह से एक एलसी टैंक ऑसिलेटर का जो क्रिएशन है वो यहां पर हो जाता है। तो इसमें इफेक्ट ये रहता है, टैंक सर्किट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगी, यहाँ पे आईसी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, चार्जिंग करंट इसको मिल रही है, प्लस जो करंट बाहर से आप दे रहे थे वो भी ऐड हो रहा है। तो एट अ टाइम किसी एक ब्रांच की करंट जो है वो टोटल सप्लाई करंट से बड़ी हो जाती है एट अ टाइम। दोनों का कॉम्बिनेशन आप जब निकालोगे तो अगेन दैट विल बी लेस देन द टोटल सप्लाई करंट, लेकिन एट अ टाइम किसी एक जगह पे सप्लाई करंट से भी बड़ी करंट बन जाती है, इसीलिए इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट के अलावा इसको एक और चीज बोलते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज द करंट मैग्निफिकेशन सर्किट। इसको बोलते हैं करंट मैग्निफिकेशन सर्किट। वैसे जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसमें फ्लो होने वाली करंट जो है ये इंक्रीज हो जाएगी, इट विल बी ग्रेटर देन द टोटल सप्लाई करंट, लेकिन एट अ टाइम एक किसी एक ही ब्रांच में ऐसा होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखोगे आई एल आई सी का तो दैट विल श्योरली बी लेस देन आई टोटल, ये एकदम तय बात है। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो पता चल गया। सीरीज वाले को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट, उसके साथ वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट बोलते हैं उसको। क्यों, सीरीज में करंट सेम रहती है तो वोल्टेज का मैग्निफिकेशन आपको इनके चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक्शन के फॉर्म में दिखता है। तो सीरीज सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट का मतलब वोल्टेज मैग्निफिकेशन, वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट और साथ में एक्सेप्टर सर्किट, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने की क्षमता रखता है। रेजोनेंस इसी के साथ होता है कंप्लीट। अब पहुंच गए हम लोग पावर ट्रायंगल पे, बस अब दो टॉपिक दूर है इस चैप्टर के खत्म होने पे, इसके बाद थ्री फेज शुरू होगा पावर ट्रायंगल।
पावर ट्रायंगल आपको बताता है एज अ राइट एंगल ट्रायंगल कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में पूरा एक्सप्रेशन है तो आप इसका बेस जो है वो एक्टिव पावर के लिए यूज़ कर सकते हो, एक्टिव पावर इस पर डिनोट कर सकते हो। परपेंडिकुलर सेक्शन जो है वो रिएक्टिव पावर को डिनोट करेगा, रिएक्टिव पावर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी योर एपरेंट पावर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एपरेंट पावर। तो पावर के तीन मेजर एक्सप्रेशन होते हैं। एपरेंट पावर को टोटल पावर हम लोग बोलते हैं, पूरी सर्किट का नेट पावर कहलाता है, जो कि एक्टिव और रिएक्टिव के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, एक्टिव पावर फ्लो जो है दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द रजिस्टिव पार्ट ऑफ द सर्किट। एक्टिव पावर फ्लो को ही रियल पावर बोलते हैं, ट्रू पावर बोलते हैं, सच का पावर इसी को बोला जाता है, और दो चार नाम इसके हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो पावर होता है जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन या किसी भी फॉर्म का वर्क डन जो होता है दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द एक्टिव पावर। वर्क डन प्योरली बिकॉज ऑफ एक्टिव पावर, इसी की वजह से होता है। रिएक्टिव पावर का वर्क डन में कोई रोल नहीं होता है। किसी भी टाइप का एक्टिव वर्क डन, जैसे कि मान लीजिए लाइट का जलना, हीट का डिसिपेशन होना, किसी मोटर का घूमना, ये सब एक्टिव पावर डिसाइड करता है। एक्टिव पावर का फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वर्क डन बढ़िया तरीके से होंगी। रिएक्टिव पावर जो होती है उसका सिनारियो अलग रहता है। रिएक्टिव पावर का फ्लो भी अपनी जगह पे ज़रूरी होता है, लेकिन हमेशा किसी सर्किट के अंदर बैलेंस पावर के स्टेट पे एक्टिव पावर की कंपोजिशन ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रिएक्टिव पावर। ठीक है, टोटल एपरेंट पावर के भीतर एक्सप्रेशन क्या क्या बनता है देखिए। एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन जो है, पावर का एक्सप्रेशन तो एक ही है, VRMS इनटू IRMS का एक्सप्रेशन। बस पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने की वजह से कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्टिव पावर P को क्या लिखते हैं, VRMS इनटू IRMS। ठीक है, और पैरेलल कंपोनेंट होने की वजह से इसके साथ जुड़ जाता है कॉस फाई। इट इज़ नोन एज द वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ द पावर। इसको आप वॉट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा जो पावर होता है दैट इज रिएक्टिव पावर फ्लो। रिएक्टिव पावर ये भी जरूरी है सर्किट में होना, इसके बिना भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन, इसके बैक एंड फोर्थ मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन प्योरली डिपेंड करता है रिएक्टिव पावर फ्लो पे। दूसरी चीज़, वोल्टेज का रेगुलेशन जो है वो भी रिएक्टिव पावर फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसके होने से भी नेसेसरीली होते हैं। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसका एक्सप्रेशन भी वही बनता है, VRMS इंटू IRMS। लेकिन आप इसकी पोजिशन देखिए, परपेंडिकुलर पे मैंने प्लेस किया, 90 डिग्री शिफ्टेड। ठीक है, तो कॉस से 90 डिग्री शिफ्टेड हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, साइन थीटा। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे हमको साइन थीटा का फॉर्म मिलेगा, तो साइन फाई। इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टर। ठीक है, VAR इस फॉर्म में रिएक्टिव पावर शो करते हैं। और तीसरा और लास्ट जो होता है दैट इज नोन एज एपरेंट पावर, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, एपरेंट पावर। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी बता सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसको पोलार फॉर्म में भी लिख सकते हो। एपरेंट पावर को एस से डिनोट करते हैं, इट इज गिवन एज VRMS इनटू IRMS। साइन और कॉस दोनों वन हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिला के वन। इसको कैसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू पी प्लस माइनस जे क्यू। अगर मैं कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, या फिर मैं मॉड ऑफ एक्स अगर बताऊं तो इट विल बी गिवन एज अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। किसी भी फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते हैं क्योंकि फेस शिफ्टेड है दोनों के दोनों एक दूसरे से, इसीलिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एपरेंट पावर का पोर्शन हो गया यहाँ पर, रिएक्टिव पावर हो गया और एक्टिव पावर हो गया, ये तीनों टाइप की चीजें आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट पोर्शन इज पावर फैक्टर। अगला पोर्शन यहां से शुरू होता है पावर फैक्टर का। ठीक, पावर फैक्टर जो होता है सर्किट में बताता है, इट इज अ फैक्टर अपॉन विच द टोटल पावर ऑफ द सर्किट डिपेंड्स अपॉन, कि भाई सर्किट की पावर किस पर डिपेंड कर रही है। सबसे पहला पोर्शन हो गया पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन जो बनता है, दैट इज कॉस फाई विच इज इक्वल टू आर बाई जेड। दूसरा एक्सप्रेशन जो होता है इसको हम लोग कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, वोल्टेज एंड करंट के फेज एंगल के हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। या इसका तीसरा फॉर्म जो रहता है इसको हम लोग लिखते हैं कॉस फाई इज इक्वल टू पी बाई एस। पी का मतलब हो गया एक्टिव पावर, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। इनमें से तीनों के तीनों फॉर्म्स पे हम लोग इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, और इसका मैंने फुल लेंथ में आपको बताया कि इसका जो यूज होता है, इसका इंपॉर्टेंस जो होता है किसी सर्किट में क्या होता है ना, क्यों इसका इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद आगे, तो पावर फैक्टर का तीन पोर्शन। पावर फैक्टर जो होती है सर्किट की पूरी एक्टिव पावर इसी पर निर्भर करती है। पावर फैक्टर बढ़ेगा सर्किट का तो एक्टिव पावर फ्लो इंक्रीज होगा। एक्टिव पावर फ्लो का ही इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट मेन सिनारियो रहता है, क्योंकि अगर एक्टिव पावर फ्लो नहीं बढ़ा तो एपरेंट तो उतने की उतनी रहेगी, रिएक्टिव पावर फ्लो कम बढ़ जाएगा उसकी जगह पे। ठीक है, और वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फाई की वैल्यू पे पूरा निर्भर करता है। अगर आप सर्किट में फाई को इंक्रीज करोगे, फाई इज द फेज डिफरेंस, ज्यादा फेज डिफरेंस का मतलब पावर फैक्टर का कम होना, पावर फैक्टर का कम होना मतलब एक्टिव पावर का कम होना, और एक्टिव पावर कम मतलब रिएक्टिव पावर फ्लो बढ़ेगा, सर्किट के वर्क डन करने की कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है वो घटने लग जाएगी उस हिसाब से। तो ये लास्ट टॉपिक था अपने इस चैप्टर का, और इसी के साथ आपका सिंगल फेज एसी होता है अब यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं थ्री फेज एसी पे। तो हार्डली यहाँ से विद इन अ आवर आपका ये लेक्चर अब कंप्लीट होने को है। कितना बज गया, 9:24। ओके चलिए ठीक है, बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसके आगे। ठीक है, पानी वानी आप लोग थोड़ा सा पी लीजिए आराम से, स्टार्ट करते हैं। अब बैक टू बैक एकदम स्पीडली पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए थ्री फेज एसी एकदम आराम से कंप्लीट हो जाएगा, थ्री फेज एसी सर्किट। ठीक है, तो कितने वीर जवान अभी तक बचे हुए हैं जंग में, 29। चलो ठीक है, बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, बढ़िया। बस 1 घंटे का और बचा हुआ है, 1 घंटे का और एफर्ट है ना। थोड़ा सा आप लोग पानी वानी पी लीजिए। अरे गजब गजब गजब, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, सचिन, नीरज, तन्मय, शगुन, कुणाल, सब सब हैं। ठीक है, नाइस, बहुत ही बढ़िया, कंटिन्यू, सचिन ने लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। बस अब एक लगातार में पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टार डेल्टा और वॉट मीटर मेथड खत्म है इतने में, बाकी तो सब थ्योरी है छोटे छोटे से। चलिए देखते हैं थ्री फेज एसी सर्किट। थ्री फेज एसी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉम इट्स जनरेशन, जनरेशन पार्ट। भाई जनरेशन ऑफ थ्री फेज एसी जो है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस करता है, कुछ नया नहीं है इसमें, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे इतना डिफरेंस है, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि क्वांटिटीज एक दूसरे से कुछ फेज अपार्ट रखा हुआ है। क्वांटिटीज को एक दूसरे से कितना डिग्री फेज अपार्ट रखा है हम लोगों ने, तो फाई की वैल्यू जो हम लोगों ने लिखा दैट इज 360 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ फेजेस, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ फेजेस। तो इससे हमको डिफरेंस निकल के आया यहाँ से थ्री फेज के लिए 120 डिग्री का। तो हमको समझ में आया कि सभी क्वांटिटीज को एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट रखा जाए तो उस कंडीशन में थ्री फेज एसी जो है, थ्री फेज का आउटपुट जो है हमको मिलता है। अब ये सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स आपने हर फेज की कॉइल में कैसा रखा हुआ है। तो जनरेशन ऑफ ईएमएफ का सिनारियो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है जैसा सिंगल फेज के अंदर था। ठीक है, बस अंतर ये है कि इस बार हम एक कॉइल की जगह पे तीन कॉइल्स को रोटेट करवा रहे हैं। तीनों के तीनों कॉइल्स को आइडियली हम लोग अज्यूम करके रखे हैं कि सब सिमेट्रिकल कॉइल्स है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ ऑफ कंडक्टर, टाइप ऑफ कंडक्टर, एवरीथिंग इज ऑल सेम, सब सेम है। ऐसी कॉइल्स जब मिल करके जब रोटेट करती हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी बी टेस्ला के अंदर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विथ अ पर्टिकुलर ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो उस कंडीशन में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कैसा दिखेगा। देखिए ये एक कॉयल है मेरे पास, सेकेंड कॉयल, इसको कुछ अलग डिग्री पे मैंने प्लेस कर दिया, और ये थर्ड कॉयल है। तो ये डिग्री पे प्लेस करना जो होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल फॉर्म होता है जिसको कि हम ऐसा शो करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों कॉइल्स को मैं इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाऊंगा। ठीक है, अगेन जो मैं वेरिएशन ले रहा हूँ वो कौन सा वेरिएशन है, वेरिएशन इन स्पेस है, ना कि वेरिएशन इन टाइम। तो इस रिस्पेक्ट से जब मेरा ईएमएफ जब यहाँ पर जब निकलेगा, जब मतलब जब वोल्टेज जब मैं बनाऊंगा यहाँ पे या ईएमएफ इंड्यूस देखूंगा तीनों कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए फर्स्ट वाली कॉइल का आउटपुट अगर सपोज कर लीजिए ऐसा, पहली वाली कॉइल का आउटपुट कुछ ऐसा है ईएमएफ के फॉर्म में, ठीक है, रेड। दूसरी वाली कॉइल का आउटपुट उससे 120 डिग्री शिफ्टेड दिखेगा मुझे, लेकिन चूंकि तीनों कॉइल्स का नंबर ऑफ टर्न मैंने सेम रखा है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और घूमने की दिशा और स्पीड भी एक जैसी है, तो उस कंडीशन में ईएमएफ की मैग्नीट्यूड एकदम बराबर आएगी, बस शिफ्टेड रहेगी एक दूसरे से। ठीक है, और तीसरी वाली कॉइल का जो आउटपुट है वो ऐसा दिखेगा लाइक दिस। तो ये तीनों का कंप्लीट ईएमएफ का आउटपुट मुझे दिखेगा। तो ये ईएमएफ की ग्राफ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इधर, और यहां पर ओमेगा टी रेडियंस का फॉर्म, तो उस कंडीशन में ऐसा दिखाई देना चाहिए। तो ये क्वांटिटी आर है, ये क्वांटिटी येलो है, ये क्वांटिटी ब्लू है, सब एक दूसरे से शिफ्टेड है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों तीनों एक दूसरे के बराबर। ठीक है, थ्री फेज एसी जनरेशन जो होता है इसको अगर फेजर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस करें तो ये कैसा दिखेगा,
हाँ नीरज, ये रहेगा ना, ये लाइव का रिकॉर्डिंग ना अवेलेबल रहेगा, श्योरली रहेगा। थ्री फेज एसी का जनरेशन अगर हम लोग देखें थ्री फेज में, तो ये कैसा दिखाई देता है? देखिए फेजर के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो अगर एक क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट करूं एज E1, E1, ठीक है, एक क्वांटिटी जो सबसे आगे चल रही है रेड कलर से, जिसको मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, तो दूसरी वाली जो क्वांटिटी का एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पर, इससे पहली वाली से 120 डिग्री अपार्ट। लेकिन चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए फेजर के बारे में अभी जस्ट हम लोग देखें कि लाइन बिल्कुल सेम लेंथ की होनी चाहिए अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो यहाँ पे E2 लिखूंगा और तीसरी वाली क्वांटिटी को यहाँ पर ड्रॉ करूंगा विथ सेम लेंथ E3। इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 120 डिग्री, 120 डिग्री उल्टे दिशा में, 120 डिग्री और सीधे दिशा में 240 डिग्री E1 से E3 के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन या इसका EMF इक्वेशन कैसा लिखना पड़ेगा? E1 आप लिखोगे, अगर ये क्वांटिटी सबसे आगे चल रही है तो इसको लिखेंगे EM साइन ओमेगा टी। E2 का अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इट विल बिकम EM साइन ओमेगा टी -2π/3, और E3 का एक्सप्रेशन आप लिखोगे EM साइन ओमेगा टी -4π/3। तो ये तीनों का एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री। ठीक है, तो उस फॉर्म में इन तीनों का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं। ये EMF इक्वेशन है। जनरेट करने का तरीका वही सेम है, सारा कुछ एकदम डिट्टो सेम है। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही ये भी फॉलो कर रहा है। बस अंतर इतना हो गया कि यहाँ पे हम तीन सिमेट्रिकल कॉइल्स को रोटेट करवा रहे हैं। क्या ये तीन सिमेट्रिकल होना जरूरी है? अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल भी ये हो सकता है, पॉसिबल है। बट हम पूरा एनालिसिस जो करते हैं वो सिमेट्रिकल के लिए ही पूरा एनालिसिस कंप्लीट बता पाना पॉसिबल है। अनसिमेट्रिकल के लिए एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो रैंडम हो जाती हैं पूरे, डिपेंडिंग अपॉन कि हर फेज की क्वांटिटी कितनी बन रही है। तो ऐसा इसको हम लोगों ने जनरेट कराया, ये आउटपुट निकल के आया। अब टाइप ऑफ थ्री फेज सिस्टम कितने हो सकते हैं? तो टाइप्स ऑफ थ्री फेज एसी, टाइप्स में हमारे पास मेजरली दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स? सबसे पहला हो गया सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल, और सेकंड इज अनसिमेट्रिकल सिस्टम, अनसिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक है, सिमेट्रिकल सिस्टम या बैलेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल या बेसिकली अनबैलेंस सिस्टम। तो ये दोनों टाइप के जो सिस्टम होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपके आपने जो थ्री फेज का सिस्टम में जो सप्लाई प्रोवाइड किया है, या तो तीनों फेज में आपने सेम सप्लाई दिया होगा, या अगर आपने लोड लगा के रखा है तो तीनों जगह पे सेम बराबर मात्रा का लोड होगा। ठीक है, तो सप्लाई और लोड अगर सारी चीज़ें अगर सेम है हर फेज के अंदर, सिमेट्रिकल, अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आता है अबाउट द फेज सिक्वेंस। नेक्स्ट होता है फेज सिक्वेंस। तो फेज सिक्वेंस जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे अगर आप इंडक्शन मोटर वगैरह है, इंडक्शन मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं, आपको अगर फेज सीक्वेंस का नॉलेज नहीं है, आपने कनेक्शन उल्टा कर दिया, तो इंडक्शन मोटर को घूमना था क्लॉकवाइज, वो घूमने लग जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। फेज सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप स्टेटर फील्ड में जब जैसा भी वाइंडिंग किया, आपने जैसा सप्लाई प्रोवाइड किया, उस हिसाब से फील्ड उस ऑर्डर में या तो सर्कुलेटिंग नेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगी या सर्कुलेटिंग नेचर रिवर्स डायरेक्शन में बनेगी, और उसी के हिसाब से आपका जो रोटर पार्ट है वो घूमेगा इंडक्शन मोटर के भीतर खास तौर पे। तो फेज सीक्वेंस जानना बड़ा जरूरी होता है। कौन कौन से फेज सीक्वेंसेस होते हैं हमारे पास? तीन। तो फेज सीक्वेंस में सबसे पहला जो होता है दैट इज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। दूसरा जो होता है इट इज नेगेटिव फेज सीक्वेंस, और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं जीरो फेज सीक्वेंस, जीरो फेज सीक्वेंस। ठीक, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बेसिकली आर वाई और बी के हिसाब से बताया जाता है। नेगेटिव फेज सीक्वेंस आर बी और वाई का सीक्वेंस रहता है, और जीरो फेज सीक्वेंस में हम तीनों सेगमेंट्स को पैरेलल कनेक्शन पे मानते हैं, आर वाई और बी। तो इसमें कोई कोई एंगल नहीं, कुछ भी नहीं मानते हैं इसके अंदर, कोई जीरो डिग्री का सेगमेंट रहता है। ये बेसिकली अर्थिंग वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। 90% ऑफ द टाइम्स हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस को ही बाई डिफॉल्ट मानते हैं। फेज सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? इट इज द ऑर्डर इन विच द क्वांटिटीज आर गोइंग टू अटेन देयर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो जैसे मैंने ये ऑर्डर बताया, जिस ऑर्डर में ये लोग अपनी पॉजिटिव पीक वैल्यू को अटेन करते हैं उसी को हम फेज सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। तो जैसे आपने देखा कि आर सबसे पहले चल रहा है, ये क्वांटिटी रेड कलर वाली क्वांटिटी सबसे आगे चली, सबसे पहले इसने अपना पॉजिटिव पीक अटेन किया, देन वाई वाले ने अटेन किया, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में बी यानी ब्लू कलर से मैंने जिस क्वांटिटी को शो किया उसने अटेन किया। तो बी और आर के बीच में 240 डिग्री का डिफरेंस है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के आधार पे। लेकिन उल्टा चलो आप अगर, तो देखिए आर के बाद अगला बी दिखेगा आपको। अगर नेगेटिव फेज सीक्वेंस आप देखोगे तो आफ्टर आर आपको 120 डिग्री पर ही सीधे बी दिख जाएगा। तो पहले बी आएगा, फिर उसके बाद 240 पे आपको वाई दिखेगा। तो आर बी वाई आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस। और जीरो में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी फेज डिफरेंस का एंगल हम इसमें
नहीं अज्यूम करते हैं। तो ये फेस सीक्वेंस जानना इंपॉर्टेंट होता है, मोटर की रोटेशन या वाइंडिंग का कनेक्शन, ये जानने के लिए फेस सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर तीसरा चीज, नेक्स्ट, कनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी। जब हम कनेक्शन पे आए, कनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी, तो हमको समझ में आया क्योंकि हम लोगों ने डीसी नेटवर्क के अंदर भी पढ़ा हुआ था, उस हिसाब से हम लोगों ने रिलेट किया इसको, और यहाँ पे मिला हमको दो कनेक्शन, स्टार, दूसरा होता है डेल्टा। ठीक, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। लेकिन जब थ्री फेज की बात हो रही है तो आप क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड में जितना भी आप लिख लो, एक नया फॉर्म यहाँ पे निकल के आया, लाइन क्वांटिटी और फेस क्वांटिटी का फॉर्म, ये दोनों निकल के आया। अब लाइन और क्वांटिटी, लाइन क्वांटिटी और फेस क्वांटिटी के फॉर्म में जब एक्सप्रेशन बनाएंगे तो यही स्टार कनेक्टेड सिस्टम कैसा दिखेगा देखते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला सिनारियो लिया कि एक स्टार कनेक्टेड थ्री फेज जनरेटर की वाइंडिंग से मान लेते हैं। ठीक है, ये स्टार कनेक्टेड थ्री फेज जनरेटर की वाइंडिंग ले लिया हम लोगों ने, और इन वाइंडिंग्स के लिए हम लोग एक्सप्रेशन बनाने निकल गए। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर एन है ना, यहाँ पर आर है, यहाँ वाई है, और यहाँ बी। ठीक, इनको हम लोग कनेक्ट कर लिए ऐसे सर्किट से। अब चूंकि जनरेटर की वाइंडिंग है तो सप्लाई जनरेट करके ये लोग बाहर भेजने वाले हैं। ठीक, तो एन से आर की तरफ जाने वाला करंट कहलाएगा आई एन आर, एन से वाई की तरफ जाने वाला करंट आई एन वाई, एन से बी की तरफ जाने वाला करंट आई एन बी। वोल्टेजेस का भी नाम ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वोल्टेज का नाम भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये हो गया वी एन आर, दिस इज वी एन वाई, एंड दिस वन इज वी एन बी। ठीक है, इन सेगमेंट्स का पोटेंशियल। ये सब कौन सी क्वांटिटीज हो गई, जो भी क्वांटिटी फेज में या लोड के अक्रॉस जो प्रेजेंट होती है इसको फेज क्वांटिटी बोलते हैं। जितनी क्वांटिटी एक्सटर्नल लाइंस पे या लाइन टू लाइन के बीच में कनेक्टेड है वो सब लाइन क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हमारा सिस्टम सिमेट्रिकल है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। पूरी की पूरी जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ सिमेट्रिकल सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जब हम थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिमेट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं तो ये इसकी फेज क्वांटिटीज है, तभी फेज वोल्टेज एक दूसरे के बराबर होगा। और आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हो कि वी एन आर इक्वल टू वी एन वाई इक्वल टू वी एन बी, इनको फेज वोल्टेज बोलोगे आप। सिमिलरली आई एन आर, आई एन वाई, आई एन बी, सब बराबर है, सब फेज करंट्स आई पी एच कहलाएंगे। वैसी लाइन क्वांटिटी कौन कौन सी रहेंगी, ये तो हो गई कौन, फेस क्वांटिटी। अब इसी के नीचे मैं लिखता हूं लाइन क्वांटिटी। तो अब देखिए लाइन क्वांटिटी का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, यहां से जो करंट लाइन में बाहर जा रही है आई आर, इधर जो लाइन में बाहर जा रही है आई वाई, क्योंकि जनरेटर है इसलिए करंट बाहर, और यहां पर जो मैं लिखूंगा दिस विल बी आई बी। फिर लाइन टू लाइन जो वोल्टेज हमको मिल रहा है कैसा एक्सप्रेशन बनेगा लाइन टू लाइन वोल्टेज का, देखिए वी आर वाई, पॉजिटिव फेस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वी वाई बी और लास्ट में वी बी आर, ऐसा ये लाइन टू लाइन वोल्टेजेस हो गए। ये सब भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो मतलब वी आर वाई बराबर वी वाई बी बराबर वी बी आर, इसको वी एल बोल सकते हो आप। सिमिलरली आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी, सब लाइन करंट एक दूसरे के बराबर, इसको आप आई एल लिख सकते हो। अब रिलेशन एक्सप्रेस करना था हमको लाइन करंट और फेस करंट के बीच, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच। ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन को जानने के लिए हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन हम लोग देखते हैं थ्री फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम के लिए, लाइन एंड फेज करंट्स का रिलेशन। ठीक, तो एकदम क्लियरली विजिबल है ना, एकदम क्लियरली यहाँ पे अपने को विजिबल है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो जितना लाइन करंट आपको दिख रहा है आई आर, वो आई एन आर के बराबर है, वैसी आई एन वाई आई वाई के बराबर है, ऐसा तीनों जगह पे है। तो कलेक्टिवली आप लिख सकते हो कि लाइन करंट इज इक्वल्स टू फेस करंट, किसके लिए वैलिड है, फॉर थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन और फेज वोल्टेज को भी रिलेट कर लेते हैं, लाइन एंड फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो इसको आप अगर देखोगे तो डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं बोल सकते हो, आप बस इतना बोल सकते हो कि हर एक लाइन वोल्टेज दो दो फेज वोल्टेजेस के रिलेशन में आता है। इन दो फेज वोल्टेज का कुछ रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस कौन होगा पता नहीं, बट उसका रिजल्टेंट एंड में वी आर वाई मिलेगा, इतना आता है, ऐसा हर जगह पर हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके अंदर केवीएल लगा देते हैं। जब केवीएल लगाएंगे तो हमको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, देखिए केवीएल अगर लगाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। एन से आर, आर से वाई और वाई से एन, एन आर वाई एन लूप के अंदर केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैं लिखता हूँ अप्लाइंग केवीएल,
अप्लाइंग केवीएल इन एन आर वाई एन। ठीक, तो अब एक्सप्रेशन कैसा बनेगा यहाँ पे देखिए, वी एन आर वी आर वाई माइनस वी एन वाई, वी एन आर प्लस वी आर वाई माइनस वी एन वाई, ऐसा लिखेंगे। अब ये माइनस क्यों हो गया, और इक्वल टू जीरो भी करना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू जीरो ईएमएफ्स एंड ड्रॉप्स के फॉर्म में। दो को प्लस में लिखा, एक को माइनस में लिखा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आप देखिए क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो एन से आर ही जा रहे हैं, वोल्टेज भी वी एन आर है, आर से वाई जा रहे हैं, वोल्टेज भी वी आर वाई है, लेकिन जब वाई से एन की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज वी वाई एन होना चाहिए, यहाँ वी एन वाई है, उल्टा है, माइनस साइन, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट बाहर निकल रही है और हम इनसाइड जा रहे हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्टली प्लस माइनस कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि सब फेजर फॉर्म में, एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है, अलग अलग एंगल पे अपार्ट है, तो ऐसा है। ये जो क्वांटिटी है दिस इज व्हाट, दिस इज योर लाइन वोल्टेज, जबकि ये दोनों बाकी के जो है ये कौन है, दे आर फेज वोल्टेजेस। तो हमको लाइन वोल्टेज को फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वी विल राइट वी आर वाई इज इक्वल्स टू, वी आर वाई इज इक्वल्स टू वी एन वाई माइनस वी एन आर, ये रिलेशन आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको मिलेगा यहाँ से, फर्स्ट रिलेशन। तो पहली लाइन वोल्टेज को आपने उसके रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेजेस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया अलॉन्ग विद दिस फेजर साइन। ठीक है, ऐसे ही आप बाकियों में भी अप्लाई करेंगे तो आपको बाकियों का भी रिलेशन निकल के आएगा, जैसे वी वाई बी का रिलेशन निकल के आएगा, वी एन बी माइनस वी एन वाई, और वैसे वी बी आर का रिलेशन भी निकल के आएगा, वी एन आर माइनस वी एन बी। ये तीनों रिलेशन आपको इसी के लिए मिल जाएंगे फटाफट से, एक का मैंने बताया, बाकी तीन का आप इसमें निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर टू, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थ्री। ये सभी वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस हैं, डायरेक्टली अल्जेब्रिक सम कर ही नहीं सकते हम इसका, क्योंकि सब अलग अलग एंगल्स में। ठीक है, तो अब इसमें से अभी तो हो गया वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन, हमको स्केलर फॉर्म में जानना है कि मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, क्या होगा, कौन किससे कैसा रिलेटेड है। ठीक, तो अब ये मैग्नीट्यूड वाइज कैसे निकलेगा, किसी भी एक को आप डिराइव करिए, जैसे मान लीजिए एक को, फर्स्ट इक्वेशन को मैं डिराइव कर लेता हूँ, इक्वेशन वन को मैंने डिराइव किया, तो मैं इसको लिखूंगा वी आर वाई, क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी लगाइए, तो आप लिखेंगे इसको वी आर वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि वी एन वाई का स्क्वायर प्लस वी एन आर का स्क्वायर प्लस वी एन वाई इंटू वी एन आर टू टाइम्स इंटू कॉस फाइव। अब एक चीज बिल्कुल तय है कि कॉस फाई में फाई की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच की फेज डिफरेंस है ना, यहाँ पे मैं फाई को बोलूंगा इट इज द फेज एंगल बिटवीन वी एन वाई एंड माइनस वी एन आर। ठीक, तो इसको आगे आप और डिराइव करेंगे, ये कौन सी वोल्टेज है, दिस इज लाइन वोल्टेज, आप इसको लिखिए वी एल, अंदर जितने भी वोल्टेजेस हैं ये कौन है, दे आर ऑल फेज वोल्टेजेस, तो आप इसको लिखेंगे वी पी एच का स्क्वायर प्लस वी पी एच का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ वी पी एच का स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री पुट कर दीजिए यहाँ पे, कॉस का 60 डिग्री, मैंने बोला फाई की वैल्यू 60 अज्यूम करिए, तो एक्चुअल में फेजर डायग्राम आपको इसके बाद बनाना होता है, ये 1 2 3 लिखने के बाद आप फेजर बनाते हैं फिर आगे का स्केलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि 60 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है, बट चूंकि हम आखिरी में बना रहे हैं फेजर इसलिए पहले से आप इसको लिख सकते हो ऐसा, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पे बचेगा आपके पास वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स वी पी एच, ये एक्सप्रेशन आता है फॉर अ थ्री फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ठीक, अच्छा अब इसके बाद इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, फेजर कैसे बनेगा भाई, देखिए लाइन वोल्टेजेस रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले आप फेज वोल्टेजेस को ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर सबसे ईजी थिंग है कि इसका सबसे पहले तो फेज वोल्टेज ड्रॉ किया जाए, सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहला फेज वोल्टेज होगा वी एन आर, उससे 120 डिग्री पीछे वी एन वाई, इससे 120 डिग्री पीछे वी एन बी। ठीक, हर जगह पे 120 डिग्री का फेज अंतर आपको दिखेगा। ठीक है, ये हो गया, वापस चलते हैं, आपको इक्वेशन में दिखा देता हूँ, देखिए इसी तीन इक्वेशन को फेजर में ट्रेस करना है आपको, तो वी आर वाई इज इक्वल टू वी एन वाई माइनस वी एन आर, ये क्या लिखा हुआ है, वी आर वाई इज इक्वल टू वी एन वाई माइनस वी एन आर, सिमिलरली वी वाई बी इज इक्वल टू वी एन बी माइनस वी एन वाई, और वी बी आर इज इक्वल टू वी एन आर माइनस वी एन वाई, इन तीनों इक्वेशंस को आप ट्रेस करिए इसके अंदर, कैसे ट्रेस करेंगे देखिए, हर फेज वोल्टेज का नेगेटिव फेज भी है, तो इन सब का नेगेटिव फेज भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो
जैसे वी एन आर को इधर एक्सटेंड करके मैं माइनस वी एन आर भी बना सकता हूँ, माइनस वी एन आर, वी एन वाई को ऊपर एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये बन गया माइनस वी एन वाई, ठीक है, और वी एन बी को दूसरे डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी एन बी। इनके बनते हैं यहाँ पे 60 डिग्री का डिफरेंस, डन। अब इसके बाद रिजल्टेंट ट्रेस कर लेते हैं, जैसे ही रिजल्टेंट देखेंगे आप, वी आर वाई किसके किसके बीच में, वी एन वाई और माइनस वी एन आर, वी एन वाई और माइनस वी एन आर, क्या अप्लाई करेंगे, पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से पैरल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर से पैरल ड्रॉ कर लेते हैं, इनका जो मीटिंग पॉइंट है इस पर इसको ट्रेस कर लेते हैं ऐसे। इसके बनते ही 30 डिग्री और 30 डिग्री का फेज डिफरेंस आपको दिखेगा, 30 और 30 डिग्री का डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरा वी वाई बी, वी एन बी और माइनस वी एन वाई, ये देखिए कहाँ पे है, वी एन बी और माइनस वी एन वाई के बीच। चलिए यहाँ से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ये इनका मीटिंग पॉइंट यहाँ कहीं पे बनना चाहिए ऐसा, ठीक है। सो दिस इज वी वाई बी, यहाँ पर 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, वी वाई बी हो गया, वी बी आर, वी एन आर और माइनस वी एन वाई, ये देखिए वी एन आर माइनस वी एन वाई, पैरलोग्राम लॉ लगाना है, तो यहाँ से भी पैरल और इधर से भी पैरल सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। दोनों का मीटिंग पॉइंट वी बी आर। इस फेजर को मैं थोड़ा और कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू वॉट मीटर मेथड में भी मैं इसी को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं और एडवांस करने वाला हूँ, वी बी आर हो गया वी एन आर माइनस वी एन वाई, वी एन आर और माइनस वी एन बी, बी नॉट वाई, उल्टा लिखा हुआ है, दिस इज वी एन बी, ठीक है, वी बी आर है ना, ठीक। तो इन दोनों के बीच में ड्रॉ हुआ है, इसके बनने से भी यहाँ पे 30 डिग्री और 30 डिग्री का डिफरेंस मिला। तो अगर ऐसे ही मुझे बाकी क्वांटिटीज के बीच का भी अगर फेजर ड्रॉ करना होता तो वो भी बन सकता था, पॉसिबल था, जैसे वी एन बी हो गया और माइनस वी एन आर के बीच, इनका फेजर भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ना, वी आर बी उल्टा बन जाएगा, दिस विल बी वी आर बी, इधर वी बी आर है तो इधर माइनस वी बी आर भी बोल सकते हो, या उसको वी आर बी, दोनों में से जो चाहो आप बोल सकते हो, तो वी बी आर बोल लो नेगेटिव वाला, ठीक। वैसे इस रिजल्टेंट का भी आप उधर बनाओगे अगर, जैसे ये क्या था, ये वी वाई, ठीक है, ये वी वाई बी था, वी एन बी और माइनस वी एन वाई, ठीक है, एन आर और वाई, ठीक है, एन आर और वाई, अच्छा आर वाई है सॉरी, तो दिस इज वी आर वाई का नाम मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो माइनस वी आर वाई इन दोनों के बीच में बनना चाहिए, देख के ड्रॉ करते हैं। ये फेजर मैं इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे टू वॉट मीटर के समय अलग से फेजर ना बनाना पड़े, इसी फेजर से मेरा काम बन जाएगा। देखिए इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये लाइन वोल्टेज था वी आर वाई, इधर बन जाएगा माइनस ऑफ वी आर वाई, यहाँ फिर से 30 डिग्री और 30 डिग्री बनेगा, 30 और 30 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। वैसे इसमें भी ड्रॉ कर दीजिए रिजल्टेंट, पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी बन जाएगा आपके पास रिजल्टेंट ये वाला, ऊपर क्या था वोल्टेज वी वाई बी, यहाँ बन जाएगा माइनस ऑफ वी वाई बी, तो ये कंप्लीट फेजर आपका ऐसा दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट फेजर, ऐसा स्टार बन जाएगा पूरा का पूरा ये, ठीक है, ये डन। तो दिस इज द फेजर फॉर स्टार कनेक्टेड सिस्टम, ठीक। ऐसे ही आप डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम को भी डिराइव करके देखिएगा, डेल्टा का मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेशन नहीं लिख रहा हूँ, डेल्टा के केस में डायरेक्टली मैं बता दूं, थ्री फेज बैलेंस्ड डेल्टा, ठीक। कंडीशन क्या हम लोगों ने लिया, यहां पे भी जनरेटर वाइंडिंग ले रहे हैं हम लोग, जनरेटर वाइंडिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर ऐसा डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर वाइंडिंग अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल सिमेट्रिकल फेज सिस्टम है, और यहाँ पर डेल्टा के ऐसे कनेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं पैरामीटर क्या क्या कहाँ कहाँ पे लिख रहा हूँ बस वो आप देख लीजिए, उससे आपको आइडिया रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए वी वन टू लिख रहा हूँ मैं, फेज वोल्टेज वी टू थ्री और फेज वोल्टेज वी थ्री वन, वैसी फेज की करंट जो है मेरे पास वो हो जाएगी आई वन टू, आई टू थ्री एंड आई थ्री वन। सिमिलरली इस तरफ जो लाइन करंट है वो है आई आर, यहाँ पे आई वाई और यहाँ पर आई बी, और जो लाइन टू लाइन पोटेंशियल्स है वो कितने हैं यहाँ पर, वी आर वाई, वी वाई बी एंड वी बी आर, इन सभी पॉइंट्स के बीच, ठीक। ये सभी के सभी फेज क्वांटिटीज हैं,
बाहर जो मैंने ग्रीन कलर और पर्पल कलर का यूज़ किया, ये सब के सब लाइन क्वांटिटीज है, ठीक है। और ये मेरा आर सेगमेंट है, दिस इज वाई एंड दिस इज बी। तो इस कंडीशन में जब मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पर केसीएल की जरूरत पड़ेगी। किस चीज़ की? केसीएल के, किरचॉफ्स करंट लॉ की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे करंट्स का रिलेशन शो करना है, मतलब रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट। क्यों? क्योंकि मुझे वोल्टेज के लिए ऐसा कुछ नहीं शो करना पड़ेगा, वी वन टू डायरेक्टली वी आर वाई के बराबर दिखेगा। तो वोल्टेज के लिए मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर है। यहाँ पे सीधे सीधे आप बोलोगे वी एल इज इक्वल टू वी पी एच इन केस ऑफ डेल्टा, ठीक है, इन केस ऑफ थ्री फेज बैलेंस डेल्टा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर। अब लाइन और फेज करेंट्स को रिलेट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, तो कैसा रिलेशन बनेगा इसमें? तो देखिए, सबसे पहला जो लाइन करंट है आई आर, ये अपने फेज करंट से कैसे रिलेटेड है? आई थ्री वन इनकमिंग है, आई वन टू आउट गोइंग है, तो आई आर शुड बी इक्वल टू, देखिए पहला वाला एक्सप्रेशन शराफत से बना लेते हैं पूरा, बाकी एक्सप्रेशन को फिर शॉर्टकट में लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे आई थ्री वन प्लस में माइनस आई वन टू माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन इक्वल टू जीरो। ये आ गया, ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा आपको, क्योंकि सब फेज अपार्ट है एक दूसरे से। अब आई आर इज द लाइन करंट, इसको रिलेट करिएगा आप, आई आर इज इक्वल टू आई थ्री वन माइनस आई वन टू। ऐसे ही आप बाकी तीनों फेजेस का भी बना सकते हैं, सिमिलरली आप बाकी के तीनों फेजेस का भी बनाइए, तो आई वाई मिलेगा, आई बी मिलेगा, ये सारी क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसका स्केलर फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? बाय अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे सेम सिनेरियो पहले की तरह, आई आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई थ्री वन का स्क्वायर प्लस आई वन टू का स्क्वायर वाले फॉर्म में, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इससे फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या निकल के आएगा? यहाँ से फाइनली यू विल गेट आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ आई पी एच, क्योंकि ऑब्वियसली ये फेस क्वांटिटीज है, ये लाइन है, इसको जनरलाइज इक्वेशन के फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये बचेगा यहाँ से, ठीक है। और इसका फिर आप फेजर डायग्राम बना के देखिएगा, फेजर डायग्राम भी एज इट इज आप बढ़िया से इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम भी एज इट इज बनेगा। क्या क्या पहले बनाएंगे? पहले फेस करंट्स आप बनाएंगे यहाँ से, है ना, पहले फेस करंट्स यहाँ पे आप ट्रेस करेंगे। तो पहला फेस करंट आपको दिखेगा आई वन टू, उससे 120 डिग्री अपार्ट आई टू थ्री, इससे 120 डिग्री अपार्ट आई थ्री वन, आई वन टू आई टू थ्री आई थ्री वन, ठीक। फिर इनका एंटी फेज या नेगेटिव फेज भी बनाइएगा, माइनस आई वन टू हो गया, माइनस आई टू थ्री हो गया, माइनस आई थ्री वन हो गया, ठीक है, माइनस आई वन टू माइनस आई टू आई थ्री वन और ये माइनस आई टू थ्री। यहाँ पर इन सब के बीच में आपको फेज डिफरेंस एंगल 60-60 डिग्रीज का दिखेगा, 60-60 ऐसा आप हर जगह पे लिख सकते हैं। फिर आप इनका रिजल्टेंट ट्रेस करिएगा, ठीक है। जैसे आई आर कहाँ पे आया? आई थ्री वन माइनस आई वन टू, ये देखिए आई थ्री वन और माइनस आई वन टू, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया कौन? आई आर। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करिए। वैसे सिमिलरली आपको आई वाई भी मिलेगा और आई बी भी मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको आई वाई मिलेगा, इनको रिलेट करके जब आप कंप्लीट फेजर इसका ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा इस तरीके से। तो ये तीनों लाइन करंट्स आप फेज करंट के फॉर्म में दिखाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, आई होप ये विजिबल होगा। तो ये आपका फेजर डायग्राम बनेगा, इसको भी आप चाहें तो टू वॉट मीटर मेथड के लिए पूरा इलेबोरेटिव फॉर्म में बना के देख सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन जो इससे निकलता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, वही कंक्लूजन जरूरी होता है कि अगर थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, तो उसके केस में वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी पी एच होता है, जबकि आई एल जो है इट इज डायरेक्टली इक्वल टू आई पी एच, ठीक। और वहीं अगर डेल्टा कनेक्शन है तो उस कंडीशन में आई एल जो है इट इज़ रूट थ्री टाइम्स ऑफ आई पी एच, जबकि लाइन वोल्टेज सीधे सीधे फेज वोल्टेज के बराबर हो जाती है। ये फाइनल रिजल्ट है, मेन यही मुद्दे की बात है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पावर मेजरमेंट आखिरी टॉपिक है, और पावर, हाँ दो टॉपिक बचा हुआ ना, तो पावर मेजरमेंट से पहले देखेंगे पावर इन थ्री फेज एसी। पावर का एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल सा बढ़िया सा रहता है, पावर आपके वही तीन है जो सिंगल फेज में आपने पढ़ा था, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, इनके अलावा कुछ नहीं चेंज होता है। बस यही है कि एक फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो कुछ अलग एक्सप्रेशन दिखेगा, स्टार डेल्टा दोनों के लिए सेम रहेगा, और दूसरा लाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखेगा, बस इतने का डिफरेंस है। तो अब इसके बाद पावर इन टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटी लिखते हैं, फेज के फॉर्म में पावर का एक्सप्रेशन कैसे बनता है। देखिए
चूंकि आप सिमेट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसीलिए अगर एक्टिव पावर में बोलूं, एक्टिव पावर तो इसका एक्सप्रेशन, तीन फेज है अपने पास, तो तीनों फेज मिला के हो जाएगा 3 times ऑफ VPH IPH cos phi, ठीक है। दूसरा अगर मैं लिखूं यहां पर रिएक्टिव पावर, सेकंड इज रिएक्टिव पावर, क्या एक्सप्रेशन बनेगा? सारी चीजें सेम है, बस 3 times ऑफ क्या हो जाएगा यहां पे, 3 times ऑफ VPH IPH sin phi, sin का कंपोनेंट, पावर ट्रायंगल भी वही है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी वही है, बस चीजें 3 times हो गई क्योंकि फेस के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, थ्री फेस का है। और तीसरा एपरेंट पावर, एपरेंट पावर क्या एक्सप्रेशन बना इसका, ये हो गया 3 times ऑफ VPH इंटू IPH। और अभी इनका मैग्नीट्यूड किस फॉर्म में, ये VPH IPH कौन से फॉर्म में, RMS फॉर्म में बाय डिफॉल्ट, जैसा वहां पे था वैसे यहां पे भी है। यूनिट्स भी इनकी सेम है, ये वॉट्स के फॉर्म में है, ये VAR के फॉर्म में है, और ये VA के फॉर्म में है, वोल्ट एम्पियर। अब इन्हीं का एक्सप्रेशन अगर आप लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसा बनेगा, देखिए यही पावर्स लाइन के फॉर्म में, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टार डेल्टा, कोई मतलब नहीं है स्टार डेल्टा से, अगर आप स्टार कनेक्शन भी देखो या डेल्टा कनेक्शन, इन बोथ द कंडीशन एक्सप्रेशन तो सेम आएगा आपका। तो देखिए एक्टिव पावर का रिलेशन कैसा बन जाएगा यहाँ पे, इन केस ऑफ एक्टिव पावर आप लिखते हैं पी इज इक्वल्स टू √3 times VL IL cos phi। दूसरा केस रिएक्टिव पावर, एक्सप्रेशन बनेगा Q इज इक्वल्स टू √3 times VL IL sin phi। और तीसरा केस ये अपेरेंट पावर का, कुछ नहीं करना है आपको, बस देखिए स्टार डेल्टा का मैंने रिलेशन बताया, VL इज इक्वल टू √3 VPH एंड IL इज इक्वल टू IPH, स्टार के केस में पुट कर दीजिए इसके अंदर, जैसे ही पुट करेंगे VPH इज इक्वल टू VL बाई √3 आएगा, √3 और √3 कट गया, यहाँ पे आ गया √3, IPH डायरेक्टली IL के बराबर रहता है, तो उससे वो एक्सप्रेशन आएगा, तीनों जगह सेम। तो थर्ड में क्या हो गया, S इज इक्वल टू √3 times लाइन वोल्टेज लाइन करंट, बस रिलेशन या यूनिट्स एकदम सेम, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये पूरा का पूरा एकदम सेम। लास्ट, हाँ एग्जाम में इसको ऐसे ही ड्रॉ करना रहेगा नीरज, एग्जाम में ना आप बल्कि तीन करंट्स के फॉर्म में ही बस बनाएंगे या तीन वोल्टेज के फॉर्म में बनाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आगे चल के अभी हमको आज ही की क्लास में 2 वाटमीटर मेथड भी पढ़ना है, तो उसमें आ जाएगा बीच में वो VBR या माइनस वाला फॉर्म हमको बताना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग उसको फुल लेंथ ड्रॉ कर दिया, आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं वैसा भी, बट उसकी जरूरत होती नहीं है, स्टार डेल्टा में उसकी नीड नहीं पड़ती, 2 वाटमीटर मेथड में पड़ती है, ठीक है। तो पावर का एक्सप्रेशन हो गया, आखिरी टॉपिक बस आज के दिन का लास्ट टॉपिक है पावर मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर, बाय 2 वाट मीटर मेथड। दो तीन बातें इसके बारे में, भाई पहली चीज ये किसके ऊपर बेस करता है, ये कौन किसने बोला कि 2 वाट मीटर से पावर मेजरमेंट कर सकते हो आप, तो इट इज बेस्ड अपॉन ब्लॉन्डल्स थ्योरम, इट इज बेस्ड अपॉन ब्लॉन्डल्स थ्योरम। ब्लॉन्डल थ्योरम में ये समझ में आता है, वो ये बोलता है कि अगर एन फेज का सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम, एन फेज का बैलेंस सिस्टम अगर है, तो उसके लिए पावर मेजरमेंट करने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ वाटमीटर्स की जो जरूरत है, दैट इज एन माइनस वन। जैसे 3 फेज का सिस्टम है तो एन माइनस वन करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 वाटमीटर से काम बन सकता है। या फिर अगर आप ये बोलो कि अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो 2 वाटमीटर मेथड का यूज करके आप कैसे पावर मेजरमेंट करोगे, तो एन नंबर ऑफ सिस्टम है अनबैलेंस, तो उस कंडीशन में एन नंबर ऑफ मिनिमम वाटमीटर्स की जरूरत पड़ती है आपको। तो इस हिसाब से पहले तो ये देखना पड़ता है कितने टाइप का लोड सिस्टम बन सकता है, टोटल 4 टाइप का बनता है, कौन कौन सा, 3 फेज, स्टार कनेक्टेड, पूरा हम लोग बैलेंस के लिए देखने जा रहे हैं, तो 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर लोड, ठीक। फिर वैसे ही बाकी के भी बनेंगे, है ना, वैसे ही बाकी के भी बनते जाएंगे, ध्यान से देख लेते हैं, जल्दी फटाफट से कॉपी कर लेता हूं मैं इसमें, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इससे, ठीक। सेकंड, 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड, लैगिंग की जगह पे अब क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर लोड, मतलब कैपेसिटिव लोड, लीडिंग पावर फैक्टर लोड। नेक्स्ट क्या हो गया, तीसरे पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे हो गया 3 फेज स्टार की जगह पे होगा अब डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस्ड लैगिंग पावर फैक्टर लोड। और लास्ट वाला क्या हो गया, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड, ठीक है, डेल्टा कनेक्टेड
लीडिंग पावर फैक्टर लोड, ठीक है, ये चार के लिए पूरा डेरिवेशन होता है, बट आप कोई एक को भी अगर प्रॉपर अच्छे से समझ के बना लिए, हर कंडीशन में आपका आउटपुट बिल्कुल सेम निकलेगा। ठीक, तो ये दोनों के दोनों वॉट मीटर मिलकर कैसा आउटपुट बताने वाले हैं, चलिए किसी एक से शुरुआत करते हैं। ठीक है, किसी एक से शुरुआत करते हैं, तो लेट अस सपोज हमारे पास थ्री फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, कनेक्शन कैसा बनेगा इसका देखिएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा ये पर फेज लोड जो है वो यहां पर ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक, आर वाई और बी तीनों के तीनों फेजेस में यहां पे शो कर देता हूं, दिस इज आर, ये हमारा लोड है जेड पी एच, और ये जो भी है ये अपना लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, इतना हमको पता है जेड पी एच। ठीक, चूंकि मैं दो वॉट मीटर ही यूज करने जा रहा हूं इसलिए मैं कॉमन किसी एक पॉइंट को तो मुझे रखना पड़ेगा ना, तो मैंने ये मान लीजिए कि यहां पे बी वाले सेगमेंट को कॉमन रख लिया ऐसे, और यहां पर ये आर सेगमेंट। ठीक, वॉट मीटर के अंदर दो कॉइल्स है मेरे पास, दोनों कॉइल्स को अरेंज कर लीजिए, ये आपका सीसी है करंट कॉइल, और यहां पर आपका पोटेंशियल या प्रेशर कॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं। कॉमनली मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां बी फेज पर, ये मेरा वाई फेज है, और ऊपर यहां पे मेरे पास आर फेज है। ठीक, पहला वॉट मीटर मैंने प्लेस कर दिया बिटवीन आर एंड बी, और दूसरा वॉट मीटर जो मैं प्लेस करने जा रहा हूं वो वाई से बी के बीच में, ये इसका करंट कॉइल प्रेशर कॉइल हो गया कनेक्ट। चलिए ये वॉट मीटर डब्ल्यू वन, ये वाला नाम लिख देता हूँ इसके बगल में, दिस इज वॉट मीटर डब्ल्यू वन एंड दिस इज वॉट मीटर डब्ल्यू टू। ऑब्वियस सी बात है कि वॉट मीटर जब लाइन में जुड़ा हुआ है तो लाइन पैरामीटर ही बता पाएगा, फेस पैरामीटर नहीं बताएगा मुझे। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग। तो क्या क्या लाइन पैरामीटर है देखिए, यहाँ से अगर ये लोड है तो आई आर करेंट जा रही होगी, इनकमिंग होगी इस बार, ये लोड है यहाँ से आई वाई करेंट, यहाँ से आई बी करेंट, वोल्टेजेस का नाम भी हम लोग वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, बाहर में वी बी आर या वी आर बी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, फेज पैरामीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैसे भी कैलकुलेशन में कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पैरामीटर में कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब शुरू करते हैं, तो वॉट मीटर डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू की रीडिंग क्या क्या मिलेगी हमको, लैगिंग पावर फैक्टर लोड है ध्यान दीजिएगा, मतलब इंडक्टिव लोड है, इंडक्टर लगा हुआ है तो करंट अपनी वोल्टेज से लैग करेगी, हमको पता चल गया, स्टार कनेक्शन है, स्टार के सारे आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे हम लोग, तो हमको पता है वॉट मीटर डब्ल्यू वन की रीडिंग क्या आएगी, इसका करंट कॉयल सी सी जो है, और यहाँ पर इसका प्रेशर कॉयल है पी सी, करंट कॉयल रीड करेगा आई आर, और प्रेशर कॉयल जो है आर से बी के बीच का वोल्टेज रीड करेगी वी बी आर। तो इसका रीडिंग क्या होगा, डब्ल्यू वन इज इक्वल्स टू वी बी आर इंटू आई आर कॉस फाई, ठीक है, एक्टिव पावर का मेजरमेंट करेगा वी आई कॉस फाई, ये बता रहा है डब्ल्यू वन। डब्ल्यू टू क्या रीड कर रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू टू रीड कर रहा है, देखिए इसकी करंट कॉयल बताएगी मुझको आई वाई, इसकी प्रेशर कॉइल जो है वी वाई बी बताएगी, वाई से बी के बीच का वोल्टेज वी वाई बी इंटू आई वाई इंटू कॉस फाई। अब फाई फाई में समझ में नहीं आएगा कि दोनों सेम है कि अलग है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको फाई वन लिख लेता हूँ, इसको फाई टू लिख लेता हूँ ताकि बाद में रिलेटेबल रहे। तो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में आप देखिएगा डब्ल्यू वन का एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू वन को मैं लिख सकता हूँ वी एल इंटू आई एल इंटू कॉस फाई वन। अब फाई वन का मतलब ये हो गया, फाई वन का मतलब ये हो गया कि इन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल फाई वन कितना है। इसके लिए मैं आपको वापस से फेजर में लेके चलता हूँ, ठीक है, वापस से थोड़ा फेजर फॉर्म में चलते हैं, इसी के लिए हम लोग ये वाला फेजर पूरा पढ़े थे स्टार के अंदर का, ये देखिए ये फेजर जो पढ़े थे इसी के लिए हम लोग पढ़े थे। ओह ये बिगड़ गया, उम्मीद ही थी बैक करते करते में ये बिगड़ ही जाता है, चलिए फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं, एक चीज़ तो दिख जाएगा जितना काम का है, हमको वी बी आर और आई आर के बीच का फेजर चाहिए था, बाकी तो बिगड़ चुका है, होप आप लोग कॉपी में बनाए होंगे इसको। वी एन आर इज आवर फेज वोल्टेज, क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर का कंडीशन आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप करंट को इससे लैग करता हुआ दिखा सकते हो, पॉसिबल है करंट को कुछ एंगल पे लैग करता हुआ आप आई एन आर लिख सकते हो। ठीक है, इसी को जूम करके देखिए, बस एक समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई एन आर मैंने वी एन आर से लैग करता हुआ बताया क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, आप जब लीडिंग का डेरिवेशन करेंगे तो करंट ऊपर बनाइएगा, जब ऐसा बनाया आपने तो आपको पता है कि यहाँ पे कितने डिग्री का लैग आपने दिखाया, फाइव डिग्री का लैग, ये फाइव का पता नहीं हमको कितना है, बस फाइव है। दूसरा चीज आप इसमें यह करिएगा कि आई एन आर चूंकि स्टार कनेक्शन है, आई एन आर इज इक्वल टू आई आर आप बोल सकते हो, ये फेस करंट इज इक्वल टू द लाइन करंट। तो अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, अब आपको आई आर और वी बी आर के बीच का ही तो एंगल निकालना है, देखिए यहाँ पे लास्ट में
जो एंगल आपको बताना था यहाँ पर वो इन्हीं दोनों के बीच का बताना था। देखिए क्या क्या है, ये डेल्टा है ना, सॉरी, जो आपको फेज एंगल यहाँ पे बताना था वो इन्हीं दोनों के बीच का, ये देखिए IR और VBR के बीच का एंगल पूछा, दैट इज़ फाइव वन, मिल गया एंगल यहीं से, है ना, यहीं से आपको एंगल का एक्सप्रेशन जो है ये मिल जाएगा, ये देखिए। तो VBR और IR कितना एंगल है टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, माइनस फाइव कर दीजिए, 30 माइनस फाइव आपको मिलेगा। ऐसे ही बाकी सेगमेंट्स का भी आप एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही बाकी सेगमेंट्स का भी आप एंगल जो है वो बता सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं इधर, वहाँ पे थे हम लोग इस पॉइंट पे ना, 12th वाले पॉइंट पे थे, ठीक है। तो फाइव वन की वैल्यू 30 माइनस 5 डिग्री, ठीक। ऐसे ही आप जब दूसरा कैलकुलेट करेंगे फाइव टू, तो ये फाइव टू आपको मिलेगा 30 प्लस 5 डिग्री, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू टू का एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा वी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा पूरा डिराइव नहीं करने जा रहे, क्योंकि पूरी की पूरी चीज़ें अब ऑलरेडी नोन है, ये ऑलरेडी है अपने पास। इसको भी फाइव वन से हटा के मैं 30 माइनस 5 लिख देता हूँ, 30 माइनस 5, ठीक। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, और ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। वॉट मीटर की कैलकुलेशन से हम लोग दो तीन चीज़ें बताते हैं, है ना, वॉट मीटर की कैलकुलेशन से हम लोग दो तीन चीज़ें बताते हैं। थैंक यू सो मच नीराजन सगुन। पहला चीज़ हम लोग ये बताते हैं कि वॉट मीटर की रीडिंग्स का सम, अगर ये वाकई में ब्लॉन्डल थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो वॉट मीटर की रीडिंग का आउटपुट क्या होना चाहिए, एक्टिव पावर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, यही होना चाहिए। भले अभी कुछ भी एक्सप्रेशन दिख रहा है, मुझे इतना पता है कि दोनों वॉट मीटर की रीडिंग का जब मैं सम निकालूंगा, तो अगर ये एक्सप्रेशन नहीं आया तो गलत है, मतलब रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस फाइव आना चाहिए, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो पहले तो ये चेक करना है कि ऐसा आ रहा है कि नहीं, दूसरा ये चेक करना है कि क्या किसी एक फेस का अपेरेंट पावर या रिएक्टिव पावर में से कुछ एक बता सकता है क्या ये, और तीसरा चीज़ हमको इससे फाई या कॉस फाई बताना है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू का रीडिंग आप देखेंगे, दिस विल बी वी एल आई एल, इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास बचेगा कॉस 30 माइनस 5 इंटू कॉस 30 प्लस 5, ठीक। ये आप बताएंगे कॉस सी दिख रहा है यहाँ पे, कॉस डी दिख रहा है, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस डी इज इक्वल्स टू कॉस सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ठीक, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं इसका। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसका जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, सी माइनस डी करेंगे यहाँ पे, या सी प्लस डी करेंगे, कॉस सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी, ऐसा हो जाता है ये, ठीक है। दिस इज कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड दिस इज कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी एल आई एल, ये कॉमन हो जाएगा, बाहर में है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, और अंदर यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी प्लस डी, सी मतलब 30 माइनस 5 प्लस डी, यानी कि 30 प्लस 5 होल अपॉन टू, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी, सी मतलब 30 माइनस 5 माइनस 30 माइनस 5 होल अपॉन टू, ये एक्सप्रेशन बना यहाँ से, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 30 और 30 60 बचेगा, माइनस 5 प्लस 5 कट गया, 60 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री यहाँ दिखा, और यहाँ पर 30 और -30 कैंसिल आउट हो गया, -5 -5 -2 5, 2 और 2 कैंसिल हो गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा आपके पास बचा, तो यहाँ पर डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू का एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा वी एल आई एल, ठीक है, अंदर बचा कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई, तो कॉस सी प्लस डी बाई टू, और उधर कॉस रहता है कि साइन रहता है, साइन रहता है उधर, कॉस रहता है कि साइन रहता है, जल्दी से बताइएगा, कॉस रहता है कि यहाँ पे साइन रहेगा, ये एक बार चेक करके मुझे बताइएगा, इस जगह पे, इस फॉर्मूले के एक्सप्रेशन पे, ठीक है। कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये सही है कि गलत है, कॉस ही रहता है, जो लिखा हुआ है 100% सही है, कुछ मत चेंज करेगा एक्सप्रेशन में, एकदम 100% सही लिख के चल रहे हैं आप लोग, ठीक है, नो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब इसके बाद डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू दैट इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस 30 डिग्री, इसको आपने लिख लिया, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ, ठीक है, मैंने कुछ चीज़ बाहर इसमें से निकाला था क्या, वी एल आई एल, वी एल आई एल यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ठीक है,
यहाँ से जो फाइनल एक्सप्रेशन निकलेगा इसको आप लोग थोड़ा सा प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और यहाँ पे माइनस टू, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। तो दिस इज़ ऑल गुड, फाइनली आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन आएगा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल्स टू वी एल आई एल कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही बचेगा, और इधर से आगे आपके पास अंडर रूट थ्री, रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस फाइव, रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस फाइव, ये आपका एक एक्सप्रेशन बचेगा यहाँ पे। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर थ्री, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर थ्री, आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गया इससे, ठीक है ठीक है ठीक है। इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू हम लोगों ने किया था, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ छूट गया था इसमें, बाहर टू लगाना बच गया था, ठीक है, ये जरूर से लगा लीजिएगा, इसीलिए एक्सप्रेशन में एक टू की कमी दिख रही थी मुझे। ये आगे चल के सब चीज़ ठीक हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली इसको टू लगा के रखेंगे, तो यहाँ टू आ गया और थर्टी रूट थ्री बाई टू, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तब ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, ये टू छूट गया था, इसको जरूर से ऐड करिएगा। थर्ड एक्सप्रेशन, नाउ फोर्थ एक्सप्रेशन कैसे आएगा आपका देखिएगा, नेक्स्ट विल बी डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, तो ये आपको देखिए एक्टिव पावर मिल गया यहाँ पे, दिस इज योर एक्टिव पावर फ्लो, दिस इज योर एक्टिव पावर। तो इतना तो तय हो गया कि ब्लॉन्डल थ्योरम में जो बता रहा था, कि ब्लॉन्डल थ्योरम में जो बता रहा था, क्या बता रहा था कि एक्टिव पावर निकाला जा सकता है पूरे थ्री फेज का दो वॉट मीटर से, तो आप देख सकते हैं दोनों को ऐड किया एक्टिव पावर निकल गया रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव। वैसे ही आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास, चलिए इसको सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं, साइन के फॉर्म में डेटा आएगा, और यहाँ पे डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू विल बी इक्वल टू वी एल आई एल साइन फाइव, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आएगा आपका वी एल आई एल साइन फाइव के फॉर्म में, इसको भी आप रिलेट करके लिख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है अब लास्ट में, ये इक्वेशन नंबर फोर जो है इससे आपको रिएक्टिव पावर मिलेगा, बट सिंगल फेज का रिएक्टिव पावर, तो अगर आप रूट थ्री टाइम्स डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू करते हैं तो आपको थ्री फेज का रिएक्टिव पावर मिल जाता है, थ्री फेज का रिएक्टिव पावर मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछ लेगा कि रूट थ्री टाइम्स ऑफ वॉट मीटर की रीडिंग का सब्ट्रैक्शन क्या बताता है, रिएक्टिव पावर बताता है, वो भी थ्री फेज का, और रूट थ्री नहीं लगाते हैं अगर तो सिंगल फेज का रिएक्टिव पावर मिलता है। अब लास्ट में आपको करना है इक्वेशन नंबर फोर बाई इक्वेशन नंबर थ्री, ये कर लीजिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वी एल आई एल साइन फाइव अपॉन रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस फाइव, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, पावर फैक्टर और फाइव, बस दो चीज पता करना है हमको, ठीक है, रिलेट कर लीजिए इसको, ये वी एल आई एल सब पूरा कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कॉस दैट इज टेन थीटा, तो टेन फाइव, और इधर हो गया वन अपॉन रूट थ्री दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टेन इनवर्स, हमको मान लीजिए फाइव की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे फाइव इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, रूट थ्री को उधर भेज दीजिए अंडर रूट थ्री, यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, वॉट मीटर की रीडिंग के हिसाब से आप बता सकते हैं। तो या तो आपको फाइव निकालना हो इस एक्सप्रेशन पे एंड कर सकते हैं, या फिर आपको आखिरी में कॉस फाइव बताना हो, ठीक है, या तो आखिरी में कॉस फाइव बताना हो पावर फैक्टर, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉस फाइव इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू पावर फैक्टर बाय यूजिंग टू वॉट मीटर मेथड। अब इससे बहुत सारे शॉर्टकट निकल के आते हैं कि अगर एक वॉट मीटर की रीडिंग जीरो है, दूसरा वाला वॉट मीटर कुछ भी शो कर रहा है, तो बोलो पावर फैक्टर कितना होगा, है ना। दूसरा एक्सप्रेशन इससे निकल के आता है कि अगर एक वॉट मीटर पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरा उसी का नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, पावर फैक्टर कितना होगा। तीसरा एक शॉर्टकट इससे निकल के आता है कि अगर मान लीजिए आपका पावर फैक्टर ही यूनिटी है और दोनों वॉट मीटर की रीडिंग का सम जो है वो 10 किलो वॉट है, तो बताओ कि एक एक वॉट मीटर कितना आउटपुट दिखा रहा है, तो बोलोगे दोनों की रीडिंग जो है वो इक्वल है, डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू टू अगर कॉस फाइव यूनिटी होती है। तो ऐसे छोटे छोटे से शॉर्टकट जो इसके अंदर निकलते हैं, आप बना बना के इसको देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, दोनों वॉट मीटर की वैल्यू अगर आप इक्वल रख दीजिए आपका कॉस फाइव जो है वो यूनिटी निकल के आ जाएगा, एक को जीरो कर दीजिए दूसरे को आप चेंज कर दीजिए आपका कॉस फाइव की वैल्यू चेंज होगी। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के शॉर्टकट जो है वो रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसी के साथ कितना बज रहा है, 10:13, चलो 10:30 से पहले का टारगेट था अपने, 10:30 से पहले हम लोगों ने सिंगल फेज और थ्री फेज का कंप्लीट रिवीजन आप लोगों ने अभी देखा, ठीक, बेस्ट वे में आप लोगों ने आई होप कि इसको समझा होगा, कहीं पे किसी पॉइंट पे अगर डाउट रह भी गया हो तो मुझे जरूर से आप बता दीजिएगा,
व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आप लोग कनेक्टेड हैं, अगर नहीं है तो फटाफट से हो जाएगा कनेक्ट। और मुझे आप बता सकते हैं अगर कोई भी ऐसा पॉइंट लग रहा है कि सर इस पर डाउट है, ये नहीं समझ में आया, तो ज़रूर से हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और फुल लेंथ अगर किसी चीज़ को समझना है तो सबका सेपरेट लेक्चर है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये रिविजन का सेशन इसी के साथ होता है कम्प्लीट। तो आज के सेशन में कम्प्लीट रिविजन में आप लोगों ने क्या क्या देखा, कम्प्लीट रिविजन में आप लोगों ने इसके अंदर सिंगल फेज़ ए सी और थ्री फेज ए सी, ये पूरा इस एक वीडियो के अंदर का कंप्लीट पार्ट था, ठीक है। तो एग्जाम के समय ऐसे ही पढ़ने में कितना मज़ा है कि एक एक बार में, एक एक लेक्चर में पूरा का पूरा एक एक दो दो चैप्टर खत्म कर लो तो मज़ा है। तो अब देखें कितने वीर जवान अभी भी युद्ध में डटे हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो पहले से भी ज़्यादा है, 32, अब 29 हो गए, ठीक है। अच्छा थोड़ा अलग अलग दिखा रहा है सिस्टम पे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए बहुत ही मस्त तरीके से आप लोग इतने देर तक डटे हुए थे और एकदम फुल एफर्ट के साथ आप लोग पढ़ रहे हो, और वो सभी बच्चे जो एकदम बिगिनिंग से कनेक्टेड हैं, आप सभी मतलब एकदम हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। और आप ही लोगों की वजह से यहाँ सामने खड़ा हुआ जो भी पर्सन रहता है उसकी एनर्जी लेवल हाई रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए आई होप ये पूरा ओवरऑल रिवीजन आप लोग के लिए इफेक्टिव साबित हो और आप जो भी एग्जाम दिलाएं उसमें एकदम बेस्ट वे में परफॉर्म करें, ठीक है। जिन बच्चों का अभी एग्जाम इस वीक में है, अभी इस ड्यूरेशन में है, वो एकदम बढ़िया तरीके से ये रिवीजन पार्ट भी करिए, जहाँ पे लगे डाउट वहाँ पे फुल लेंथ वाला लेक्चर जो है उसको भी देख लीजिए, फिर भी डाउट अगर रह जाए मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल घबराना नहीं है, पढ़ाई में एकदम कोई कमी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है नीरज, पूरा एफर्ट आप लोगों का था यार, पूरा एफर्ट आप लोगों का था, ठीक है। शगुन थैंक यू सो मच डियर, स्टार्लिंग स्टार और जितने भी बच्चे आप लोग कनेक्टेड हैं आप सभी को बहुत सारा थैंक्स, है ना। कुणाल, तो ऐसे ही खूब सारा सेशन, खूब सारा लेक्चर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, बेस्ट वे में पूरा का पूरा स्टडी करेंगे और एकदम बढ़िया परफॉर्म करना है हमको, ठीक है। और भी आगे जो टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मर, उसका भी ऐसी सिंगल लेक्चर का रिविजन करेंगे हम लोग, एक एक लेक्चर काफी होगा रिवाइज करने के लिए, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ाए रखने के लिए आप सबको खूब सारा थैंक यू, इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाए। बढ़िया से पढ़िए, कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछेगा। एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे या ट्यूजडे दो में से किसी एक दिन से ट्रांसफॉर्मर में शुरू कर दूंगा, ज्यादा चांसेस रहेगा कि मंगलवार से ट्रांसफॉर्मर शुरू हो पाएगा, एक दिन आप लोगों का मैग्नेटिक का पार्ट बचेगा थोड़ा सा। तो मंडे खत्म करा के मैं आपको ट्यूसडे के ऑनवर्ड्स ट्रांसफॉर्मर शुरू करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।